गुरुभ्यो नमः। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। अभी सव्यसाची भट्टराय जी ने बड़े सुंदर शब्दों में बात कही, पता नहीं इनको पता है कि नहीं, ये अपने दोनों हाथों का एक समान तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। सव्यसाची हैं, बचपन से ही है। अब हो सकता है घर वालों ने आपको केवल दाहिने दिखने की प्रैक्टिस करा दी हुई, यदि आप चाहें तो दोनों हाथों का समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं। वो जींस में चला रहा आपके, आपके जींस जा रहे हैं। मैं ये बताने के लिए किया, कुछ ऐसी तो इंसान पता नहीं थी कि आपके जींस में सव्यसाची होने का गुण चला रहा है, आपके बच्चों तो जाए आगे भी जाएगा। बहुत कम लोग होते सव्यसाची, जिससे अर्जुन की विशेषता ही बताएगी। कर्ण से ऊपर इसलिए था कि अर्जुन सव्यसाची था, कर्ण नहीं था। दोनों हाथ करे संधाना सव्यसाची का नाम बखाना, जो दोनों हाथों से समान रूप से प्रयोग कर सके केवल वही सव्यसाची होते हैं। आप उनमें से एक है, बधाई। और आपको इसलिए बताया कि जब कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो उसके मुख के भाव, शरीर के भाव, ये बताते हैं आपको कि मनुष्य कैसा है क्या। अभी बता रहे थे कि छह विशेषताएं होती, तो मैंने एक विशेषता इनकी मैं ही बता दूं, छह विशेषताएं बाकी बता रहे हैं और कैसे ये आगे जींस में ट्रबल होता है। थोड़ा विषांतर होगा, देखिए ये प्रकृति की अजीब लीला है कि महिला पूर्ण है, उसके अंदर टोटल 24 क्रोमोसोम्स हैं, मनुष्य अपूर्ण है, उसमें 23 होते हैं, ठीक है। और ये मनुष्य एक अजीब से गुण आता है महिला के अंदर, क्योंकि पूर्ण है, अब उसको पूर्ण कोई और करना नहीं, सिद्ध नहीं करना अपने को, इसलिए उसकी रुचि किसमें होती है, वाद्य में, नाट्य में, संगीत में, अन्य कलाओं में। पुरुष अपूर्ण है, उसको अपने सिद्ध करना है, और इसी हेतु पुरुष क्या करेगा, ऐसे ऐसे जगह जाएगा, एडवेंचर पर जाएगा अपनी प्रूव करने के लिए केवल। लेकिन जिन्होंने अपने को सिद्ध कर लिया है, फिर उसके बाद भी शांत स्थिति आ जाते हैं वो, अब कुछ और करना नहीं है। तो ये प्रभु की लीला है। और मुझे याद आ रही गोस्वामी की चौपाई याद आती है कि कब बहुत ही गोपनीय की कब बतानी चाहिए, तो उन्होंने कहा श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, ये पांच गुण जब हों, पाई उमाति गोप्यम अपि सज्जन करहि प्रकाश, तो अत्यंत गोपनीय चीज तब करनी चाहिए जब श्रोता ऐसा हो, सुमति हो अच्छी मति वाला हो, सुशील हो आचरण ठीक ठाक उसका हो, सुचि सुचिता हो, पवित्रता हो मन में भी, और शरीर से तो सभी नहा धो लेते हैं, लेकिन जो मन की पवित्रता है, जिसने मन से स्नान किया है वो वास्तविक स्नान है। कथा रसिक, जो कहा जा रहा है उसमें आनंद आ रहा है सुनने, उसको अगर आनंद ही कहने फायदा क्या है। हरिदास, और ईश्वर प्रेमी होना चाहिए। पाई उमा अति गोप्यम, अत्यंत गोपनीय भी जो है, सज्जन करहि प्रकाश, तब कहने का आनंद आता है, उसके पहले आनंद ही नहीं आता है। तो आज भट्टराय जी ने एकदम से चेतना जागृत कर दी मेरे अंदर। पहले उनका मंगलाचरण अद्भुत था, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने रोका ताली बजाने से, कि मंगलाचरण पढ़ रहे हैं ताली बजाना उचित नहीं है, लेकिन मन कर रहा था कि कहूँ अद्भुत, बहुत सुंदर था। और फिर आपके मैंने जो विश्लेषण किया आकृति का, मैंने कहा वाह, ये सव्यसाची गुण आपका धनी होगी, कहाँ तक जाएगा, कहाँ कहाँ तक आप ले जाएगा। कि वो सव्यसाची की विशेषता होती है कि इनके दोनों प्रकार के मस्तिष्क, वाम और दक्षिण, एक साथ काम करते रहते हैं, और इसलिए वो व्यक्ति अद्भुत कार्य कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मैंने सोचा अगर आपको न पता हो तो बता दूँ, आगे के लिए ध्यान रखेंगे। अब इससे पहले कि मैं वापस चलूं अनुरक्त ग्रह के ऊपर, पहले थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा आपको ये विशेष दृष्टियों की, क्योंकि इसकी चर्चा किसी ज्योतिष के ग्रंथ नहीं होती। और ज्योतिषी बनने के लिए अत्यंत आवश्यक है दो बातें, एक कि जो भी पढ़ें उस पर यह मंथन ऐसा है तो क्यों है, कहीं ना कहीं पे उत्तर मिलेगा उसका। जैसे मैंने पढ़ा था तुमने कि मंगल बृहस्पति शनि में ही विशेष दृष्टियां क्यों हैं, ढूंढते रहे कहीं उत्तर नहीं मिला, बहुत दिनों के बाद भगवद गीता में उत्तर मिल गया। और कुछ कॉमन सेंस बहुत जरूरी चीज है। एक घटना सुनाऊंगा छोटी सी, दिल्ली में एक जगह है कुचा पातीरा,
शाहजहां के समय की बात है, वहां पर पंडित पाथीराम रहा करते थे, बहुत प्रख्यात ज्योतिषी थे। उनसे उस जमाने के बाकी धर्म के लोग जो थे, नाम लेने की अवस्था नहीं, सभी समझ गए होंगे, उनको बड़ी ईर्ष्या हुई और उन्होंने बादशाह शिकायत की कि ये काफिर पता नहीं क्या उल जुलूल कहा करता है, इसको रोका जाए। अब शाहजहां ने सोचा अगर किसी विद्या कोई महारत है तो ऐसे रुकना ठीक नहीं होगा, उसको ऐसा कोई टेस्ट दिया जाए उसमें फेल हो जाए और उसको बैन कर दें। तो उन्होंने बुलाया कि पंडित काशीराम पाथीराम, सुना है तुम नजूम करते हो। उनका बिल्कुल करता हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारे नजीम की इम्तिहान लूंगा, बताइए कि अगले संडे के दिन, रविवार के दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगा। और उनके घर के दो दरवाजे थे, ईस्ट एंड वेस्ट, और तुम अभी से लिख के रख दो कि मैं किस दरवाजे से आऊंगा। अगर मैं उसी दरवाजे से आया तो तुम्हारा नजूम चलता रहेगा, अन्यथा बंद कर दिया जाएगा। तो लोगों में हाहाकार मच गया, भाई तो बड़ा मुश्किल सवाल है, ये ज्योतिष का वो कौन सा संकेत बताएगा बादशाह मेरे इस दरवाजे से अंदर घुसेगा इस दिन। लेकिन पंडित पाथीराम बिल्कुल नहीं हिचकिचाए, उन्होंने फौरन कागज लिया, लिख के रख दिया, उसको सील कर दिया गया। और अगले संडे को ये एक्चुअल घटना है, शाहजहां गया आग के घर पे और कहा इधर दीवार तोड़ दो। दीवार तोड़ दी गई कुछ ही क्षणों में और उससे अंदर एंटर कर गया। पंडित पाथीराम दिल्ली छोड़ने की तैयारी कर लो। उन्होंने कहा दिल्ली छोड़ दूंगा, ये मैं लिफाफा खोल देख तो लीजिए एक बार। लिफाफा खोला गया, उसमें लिखा हुआ था कि बादशाह मेरे घर की दीवार तोड़कर अंदर आएगा। अब उसमें आनंद वाली बात आई, जब वो चला गया बादशाह देख करके, ठीक अपना नजूम करते रहो। जो जिला पार्टी थे हमारे कृष्णकांत सगरी, उन्होंने पैर पकड़ लिए कि आपने ये विधा हमको नहीं सिखाई तक, इतने टाइम से आपकी सेवा कर रहे हैं, ये कौन सी विधा थी आपने बताई नहीं। तो उनका, अरे मूर्ख, ये है कॉमन सेंस। तू सोच, बादशाह कभी नहीं चाहेगा वो फेल हो जाए। अगर वो ईस्ट से आएगा तो संभावना की शायद मैनिफेस्ट लिखा हो, या 50% संभावना हमेशा रहेगी कि जिस दरवाजे में वही लिखा हो, और वो चांस लेना ही नहीं चाहेगा। बादशाह ठहरा, और इसके दिल में दर्द होता नहीं, मेरे घर की दीवार टूटे टूटती क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा काम करेगा जो किसी सोचा ना हो, वो क्या उसका दीवार तोड़ के आएगा, लिख दिया। कॉमन सेंस कि अगर कहीं भी वो ईस्ट या वेस्ट कुछ भी लिखता है और उससे आने की संभावना थी, तो बादशाह बिल्कुल चांस नहीं लेगा। तो ज्योतिष में दो चीज अत्यंत आवश्यक है, एक आपका कॉमन सेंस कि जहां जिस परिस्थिति बैठे हुए हैं क्या हो सकता है, नंबर वन, और नंबर टू कि जो आप सूत्र पढ़ रहे हैं उसका इतना अध्ययन करिए कि इसकी क्या वास्तविकता है, क्या रैशनल है इसके पीछे, उसको जानिए कि ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसे कारण ना हो। अगर आपको नहीं मिला है तो और ढूंढिए, और ज्ञानियों पास जाइए, ये कहीं ना कहीं पर उसका उत्तर मिलेगा अवश्य, जैसा मुझे मिला। 25 साल लगे मुझे ढूंढते ढूंढते, लेकिन मिल गया। ऐसे ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो ये कॉमन सेंस जिंदा रखिए, और नंबर टू सूत्र ढूंढिए कहाँ से आया है। कॉमन सेंस पे एक छोटी घटना और सुना करके एक समाप्त करता हूँ। आप सबको याद हो, ये भी रियल इंसिडेंट है, करीब आज से 20-25 साल पहले बड़े सारे साइंटिस्ट ने एकदम घोषणा कर दी थी कि नोस्टाडेमस ने कहा है अब संसार समाप्त होने वाला है। ठीक हुआ था ना। उस जमाने में एक और कोई ज्योतिषी थे, उन्होंने भी कहा कि सब बिल्कुल, मैंने देख लिया गणना करके सब समाप्त हो जाएगा। एक कोई बिल्कुल हमारे आशीष शरीफ आदमी था, उन्होंने कहा मैं लिख के देता कुछ नहीं होगा, शर्त लगा लो मुझसे। तो दोनों आदमी ने 1-1 लाख की शर्त लगा ली गई, पैसा जमा करा दिया किसी के पास। अब सबको मालूम है, हार्ड फैक्ट है, वो दिन आया चला गया, सृष्टि समाप्त नहीं हुई, 1 लाख मिल गया इनको। लेकिन उसके बाद हाथ जोड़ गया, भाई बताओ विधा कौन सी थी, तुमने कैसे बता दिया, मेरा सब पूरा अपना बेकार हो गया। उन्होंने कहा अरे मूर्ख आदमी, अगर सही में ये संसार नष्ट हो जाता, ना तू बचता ना मैं बचता, कौन लेता कौन देता। अब बच गए, प्रलय नहीं आई है, 1 लाख नहीं मिल गए, समाप्त हो गया, आ जाती। तो अब हम अपनी यात्रा प्रारंभ करते इस जन्म मृत्यु के खेल से, आशीष प्रारंभ करिए। अब जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले इंद्रिय काम करना बंद करती हैं और बुद्ध विवेक जागृत हो जाता है, उसके बाद में आत्मा शरीर छोड़ देती है और मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा तैयार हो जाता है और शनि दंडाधिकारी दे दिया जाता है। आत्मा शरीर छोड़ती, तत्पश्चात भाव शरीर यानी चंद्रमा भी शरीर छोड़ देता है। अब यहां से हमारी यात्रा आरंभ होती है। अब आदमी अव्यक्त की दुनिया में प्रवेश कर रहा है। अब देखिए क्या होता है, केवल जीवात्मा है
और साथ में एक पोटली इसके कर्मों का लिखा जोखा अब तक का। अब तक उसने क्या खोया क्या पाया उसे लेकर के चल दिया। ये नाइन्थ हाउस प्रारंभ हो गया, चेतना का भाव है, धर्म का भाव है। उस चेतना के भाव में, धर्म के भाव में वो आदमी अपने कर्मों की पोटली के साथ में पहुंच गया। यहां पर पहुंचते दो काम होते हैं, पोटली से ले ली जाती है और शनि महाराज अपने घर में रख लेते हैं कि ठीक है हमसे। और जो कुंभ है, कुंभ के माने क्या होते हैं, स्टोर, उसमें इसके पुराने जन्मों का लेखा ऑलरेडी रखा हुआ है। अब नए कर्म और पुराने कर्मों की इसमें मिक्सिंग शुरू होती है कि कितने कितने कर्म मैच्योर हो गए हैं, मतलब कितने आपके FDR मैच्योर हो गए हैं उसका फल मिल जाएगा, और कितने लोन अकाउंट्स आपके मैच्योर होंगे, पेमेंट तुरंत करना है। जो मैच्योर नहीं हुए हैं वो अभी फिर 11th हाउस रोक लिए जाएंगे, लेकिन जिनकी मैच्योरिटी डेट आ गई है वो इकट्ठे कर लिए। ये मिक्सिंग होने के बाद जो कर्म बिल्कुल अब सामने आ चुके हैं, जिनको फलीभूत होना ही होना है, उनकी पोटली के साथ में जीवात्मा आ जाता है 12वें घर में, मीन राशि में। इस मीन राशि में वहां पर देखा जाता है कि आदमी आया है इस काउंटर पे, जो पहुंचा आदमी, इसका जीरो बैलेंस है या कुछ हाथ में है। अगर जीरो बैलेंस, दैट मींस मोक्ष का अधिकारी है, आगे जाने यात्रा समाप्त हो गई। लेकिन अगर थोड़ा सा भी बैलेंस है तो इसको जन्म लेना पड़ेगा। अब 12वें घर से देखिए 5वां घर, गर्भ स्थान। उस प्रकृति ने देखा इस व्यक्ति को जन्म लेना होगा, तो वहां से 5वें घर में ट्रांसफर कर दिया गया जुगार स्थान, और इसीलिए 4था स्थान माता के स्थान बना। और यहां पर जब तक बच्चा रहेगा इसको खाना पीना आना जाना सब फ्री है, इसलिए यहां से वाहन भी हो गया, मकान हो गया और माँ हो गई, तीन चार चीजें 4थे घर देखी जाती, इसका कारण सिर्फ यही है। और ये मोक्ष स्थान बना क्यों, जब कभी यहां से निकलेगा उसका इस यंत्रणा से, इस कारागार से मुक्ति मिलेगी, यहां से बाहर निकलेगी, छूटेगा, इसलिए ये मोक्ष का स्थान ही बना। तो कल को कोई पूछे कि 4था घर माँ का स्थान क्यों है, वाहन यहां से क्यों देखते हैं, सुख क्यों देखते हैं इसे, और यहां से मोक्ष क्यों देखते हैं, तो उत्तर बड़ा स्पष्ट होगा कि यहां से फिजिकल मोक्ष होगा इसका। एक बंधन में बंधा हुआ था माँ के गर्भ में, यहां से जब छूटेगा, मोक्ष माने मिलना नहीं, मोक्ष माने छूटना, तो जब कभी यहां से छूटेगा तो उसका पहला मोक्ष होगा। ये शरीर से छूटता है वो दूसरा मोक्ष है 8वें घर में, और जब पूरे आवागमन से छूटता है 12वें घर में, जो जिसकी चर्चा अभी की थी, वो अंतिम मोक्ष है। तो तीन प्रकार के मोक्ष हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीन प्रकार के मोक्ष हैं। ये बीच वाला जो है ये राजसिक मोक्ष है, क्योंकि अभी छूट करके आगे यात्रा क्रिया चलती रहेगी। तो 4थे घर में जब तक रहेगा कहीं आना जाना, माँ जा रही, बच्चा फ्री में जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री, तो वाहन भी 4th हाउस से आ गया, सुख वहीं से आ गया, जब तक वहां बड़े सुख में, कुछ करना ही नहीं है, प्लस माता से जुड़ा हुआ है, माता का स्थान हो गया। लेकिन जब समय परिपक्व होता है और पहला मोक्ष होता है और आदमी यहां से छूटता है तो ये लग्न में पहुंच जाता है, वहां से जीवन प्रारंभ होता है। तो पहले हम यहां देखते हैं कि जब तक माँ के गर्भ में तब क्या होता है, आशीष वापस लाइए इसको, माँ के गर्भ में कुछ है इसको, अब यहां से मंथन करना प्रारंभ करिए कि माँ के गर्भ में है तो क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं और क्या क्या क्रियाएं नहीं हो रही हैं, उसके अनुसार आप जान जाएंगे कि इसके जीवन जब तक वहां पर किस किस का रोल हो रहा है। तो 4थे घर में बैठा दो बच्चे को वापस, बच्चा भी नहीं बाकी रहे, बच्चा भी आ जाए। अच्छा, मैं कहना भूल गया, सभी अपने अपने मोबाइल की वंदना कर लें आज, अगर आपने इसको वाइब्रेशन नहीं डाला तो वाइब्रेशन डाल दें प्लीज। कल मैंने इसको कर्ण प्रशासनी कहा था, थोड़ा आगे बढ़ के इसकी वंदना कराते हैं, तो मोबाइल की वंदना करें, चेक कर लिए अपने मोबाइल को, आपको धोखा नहीं दे। अब देखिए जब तक 4थे घर में, यहां पर क्या है, आदमी को अपने मन में चेतना है, स्वयं में जान रहा है क्या हो रहा नहीं हो रहा है, बाहर से वाकिफ है, यानी चंद्रमा से संबंध होना चाहिए, तो चंद्रमा का अपना स्वग्रह है। दूसरी बात, पुरुषार्थ कर रहा है, जैसे दिखाया मिक्सी चला दिखाई थी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, दुनिया को नहीं दिख रहा लेकिन वो स्वयं पुरुषार्थ कर रहा है। अब आप देखेंगे मेष राशि, जो इसकी मूल कुंड राशि मंगल की, वहां से 4थी दृष्टि से जब 4थे घर को देखेगा तभी संभव हो पाएगा कि आदमी पुरुषार्थ कर रहा है लेकिन अभी की प्रारंभ है, उस पुरुषार्थ का फल नजर नहीं आ रहा है। तो इससे ये भी पता लगता है कि मंगल की 4थी दृष्टि मंगल की उस एक्टिविटी का प्रारंभ दिखाती, बिगनिंग,
इनविजिबल फोर्स दिखाती है। अभी संसार को दृष्टिगोचर नहीं हो रहा जो काम करेंगे, तो जब कभी किसी भाव को मंगल चौथी दृष्टि दिखता है, इसका तात्पर्य हो गया जो पुरुषार्थ हो रहा है उसका फल बाद में मिलेगा, अभी नहीं, प्रारंभ है उस चीज का, उस एक्टिविटी का, उस तौर तरीके का। तो ये पहला अंतर हुआ चौथी दृष्टि और आठवीं दृष्टि के बीच में। तो मंगल ने चौथी दृष्टि को देखा अपने मूल त्रिकोण से, उसने पुरुषार्थ करने में समर्थ हो गया। अब आप देखेंगे मीन राशि से प्रारब्ध के माध्यम से इसको पिछला याद भी आ रहा है, उसको देख भी रहा है और उसको अनुभव कर रहा है सुख दुख उसका। ये तभी संभव है जब बारहवें भाव से बृहस्पति पांचवीं दृष्टि से इसको देखे। इसके तात्पर्य यह भी हुए कि जब भी पांचवीं दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की कहीं पर भी, तो वो आदमी को एक स्थायित्व देगा, जो चीज चली इसको यथावत रखेगा, विदाउट चेंज, कोई मटेरियल चेंज नहीं होगा, जो चल रहा है चलता रहेगा, सपोर्ट मिलेगी नीचे उसमें। अर्थात किसी भाव को जब भी बृहस्पति पांचवीं दृष्टि देख रहा हो कहीं पर भी, तो आप निश्चिंत कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी चल रही है आपको नेचर सपोर्ट करती रहेगी। मान लीजिए कोई आदमी आता है और उसने प्रश्न किया कि मेरा ट्रांसफर होने की संभावना बन रही है, होगा नहीं होगा, आपने उसकी जन्म कुंडली में देखा कि गोचर का बृहस्पति क्या कर रहा है। अगर पता लगा कि गोचर का बृहस्पति समय पर इसके 10th हाउस को अपनी पांचवी दृष्टि, तो आप निश्चिंत कह दिए भाई कुछ नहीं होगा, जैसे चला वैसे चलता रहेगा, आपको सपोर्ट मिलेगी, बॉसेस सपोर्ट करेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं, जैसे वही रहेगा। तो पांचवी दृष्टि में एक स्थायित्व, जो चल रहा है सपोर्ट, वो सपोर्ट मिलती रहेगी, सपोर्ट विड्रॉ नहीं किया जाएगा, सपोर्ट विल ऑलवेज बी देयर, चाहे बॉस मिल रही हो, कलीग से मिल रही हो, कहीं से मिल रही हो, समाज से मिल रही हो। पांचवी दृष्टि का तात्पर्य है कि जो सपोर्ट आपको मिली हुई है वो एज इट इज चलती रहेगी, और बल्कि हो सकता है कि वो सामने न कहे, पीठ पीछे आपको इतना सपोर्ट करेगा कि आपके स्थायित्व में कोई कमी नहीं आने पाएगी। अब दूसरी बात देखिए कि दंडाधिकारी शनि, वो भी जुड़ा हुआ है। शनि मकर राशि इसको देखेगा सातवीं दृष्टि, लेकिन सातवीं दृष्टि से तात्पर्य क्या हुआ कि सातवीं दृष्टि शनि जब भी देखता है तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं करता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेट इट हैपन एज इट इज, कोई चिंता नहीं है, सामान्य दृष्टि है। अब आगे देखते हैं, बच्चे का जन्म हो गया, अब ये चौथे घर से शिफ्ट होकर लग्न में आ गया और जीवन प्रारंभ हो गया। अभी तक कहानी होती जब तक तो माँ के गर्भ में था, अब ये बच्चा इसने जन्म ले लिया और जन्म कुंडली आपके ऑपरेशन में आ गई, इसने पहली सांस ली, पहला पुरुषार्थ किया और जीवन प्रारंभ हुआ। तो जीवन के प्रारंभ होते अब देखिए क्या होता है, सेम सिचुएशन, अब देखिए हालत कैसे बदलते हैं। अब कुंभ राशि पर अगर दृष्टि डालिए तो यहां शनि को देखे लेकिन तीसरी दृष्टि से, ठीक है। तात्पर्य क्या हुआ, जब भी तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो शनि का जो एक्शन है आपके प्रारंभ हो गया, आप जो पिछले जन्मों के ऋणान बंधन है उनका फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो थर्ड एस्पेक्ट मीन्स बिगनिंग ऑफ समथिंग, चीज शुरू हो गई। सातवीं दृष्टि था इस था जो चला वही चलाया जा रहा है, लेकिन जब तीसरी दृष्टि पड़ेगी समथिंग न्यू इज टू हैपन, पुराना कोई ना कोई ऋणान बंधन अब सामने आने वाला है, आएगा और दिखाया जाएगा आपको। बृहस्पति भी देख रहा है लेकिन अभी बृहस्पति पांचवी दृष्टि देख रहा है इसको, तात्पर्य क्या हुआ जो जैसा स्थायित्व रहेगा। और इसीलिए कहते हैं बच्चा जब तक 12 वर्ष का न हो जाए उसकी कुंडली मत देखो, माता पिता की कुंडली देखो, 12 वर्ष तक वो प्रेम माता पिता के भोग का भोग करेगा, प्राइमरीली वो चीज फल सामने आएगा जो उसके माता पिता से गवर्न हो रहे हैं। अनलेस देयर इज अ इमरजेंसी, कोई बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए तब तो बच्चे कुंडली, अन्यथा कोशिश करिए कि माता पिता कुंडली से काम चला ले, 12 वर्ष तक पोजिशन यथावत रहेगी। जब एक साइकिल पूरा हो जाएगा उसके बाद में बृहस्पति महाराज जागेंगे, वो भी अपना फल देना शुरू करेंगे, अन्यथा इससे पहले केवल शनि और मंगल का ही ऑपरेशन रहेगा, कि मंगल जुड़ा हुआ है लग्न से अपनी मूल त्रिकोण से, दैट मीन फुल ऑपरेशन, शनि जुड़ा हुआ फिर तीसरी दृष्टि से, तो दोनों का ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो आदमी पुराने ऋणान बंधन को भोग रहा है लेकिन प्रारब्ध इसमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा कुछ भी, न प्लस न माइनस, जो जैसा स्थायित्व चलता रहेगा। तो अगर माता पिता के कुंडली को ऐसा लिखा हुआ है कि पुत्र शोक होना है, तो 12 वर्ष पहले अगर मृत्यु हो रही उसमें एक बड़ा कारण माता पिता के ऋणान बंधन का फल है कि उनको कोई ऐसा पुत्र मिला जो शत्रुवत था, आया और दुख देके चला गया। ये पुत्रों की ऐसी कई कैटेगरी होती हैं, तो जो शत्रुवत होते हैं पिछले जन्म से वो आते इसीलिए हैं, आएंगे सेवा कराएंगे उस दिन आपसे और फिर चले जाएंगे दुख दे करके, और उनका हिसाब बराबर हो गया। कुछ होते हैं
उदासीन पुत्र, न सुख न दुख जीवन जैसा था, और कुछ होते हैं सेवक पुत्र जिन पे पिछले आपने कुछ उपकार किया हुआ है, अब उसका प्रतिउपकार करने के लिए जन्म लेते हैं, आप घर में आपकी सेवा करते हैं, और ऐसी कई कैटेगरी, लेकिन अभी आज के लिए तीन ही काफी इस वक्त के लिए। अब इसमें आगे देखते हैं, जब मृत्यु होती तब क्या होता है, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब अष्टम भाव आ गया सामने। अष्टम भाव में क्या होगा, आदमी को अंतिम पुरुषार्थ करना है, मतलब कि जन्म समय प्रथम पुरुषार्थ हो गया, चौथी दृष्टि पड़ गई थी उसकी, सांस ली उसने, अंतिम पुरुषार्थ आखिरी सांस छोड़ेगा, तो एक पुरुषार्थ उसने भी करना है। तो मंगल, ये तभी संभव है जब मंगल की आठवीं दृष्टि हो। लग्न से अपने मूल त्रिकोण से मंगल आठवीं दृष्टि उसके होगी, तभी इसको अष्टम को देख पाएगा अपने घर को। और मंगल अकेला ऐसा ग्रह जो अपने घर को इस तरीके से देखता है, देखता इसीलिए है कि मंगल दोनों ही पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है, प्रथम पुरुषार्थ और अंतिम पुरुषार्थ। अंतिम पुरुषार्थ कर दिया, आखिरी श्वास छोड़ दी, और मंगल का रोल समाप्त हो गया। तो इससे यह भी पता लगता है कि आठवीं दृष्टि कार्य के समापन की ओर ले जाती है, पूर्णता की ओर ले जाती है। चौथी दृष्टि प्रारंभ कर रही है और आठवीं दृष्टि समापन की ओर ले जा रही है, कि जो कार्य चल रहा था उसके पूर्ण होने का समय आ रहा है। अगर कोई मकान बना रहा है और उसने प्रश्न किया करके कि क्या इस वर्ष कंप्लीट कर लूंगा, और वहां पे मंगल की आठवीं दृष्टि आ रही है, तो बेशक कह दिए अवश्य करोगे, इसी वर्ष पूरा हो जाएगा, कि आठवीं दृष्टि कार्य का समापन दिखा रही है, पूर्णता दिखा रही है। जो अब तक आदि भटक रहा था, बीच में था, मलधार में था, अब किनारे पहुंच जाएगा। तो यहां तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, शरीर छोड़ रहा है, उसी प्रकार से जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य का समापन भी आठवीं दृष्टि दिखाएगी। तो जहां जहां पे मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ती है, उस चीज के, उस संबंध की पूर्णता को दिखाती है। अब इस पूर्णता को आपको डिफरेंट तरीके से परिभाषित करना पड़ेगा। मृत्यु से पूर्णता हो रही है, डिफरेंट टाइप पूर्णता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, उसके कुंडली में मान लीजिए मंगल साथ में बैठा हुआ है, तो वहां से आठवीं दृष्टि सेकेंड हाउस देखेगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ, पूर्णता इस समय ली, कैसी पूर्णता है? वो व्यक्ति कुटुंब के बारे में अपने जितने दायित्व उनको पूर्ण कर पाएगा, जो जो परिवार से उसकी अपेक्षाएं को सबको पूरा करेगा, वो कोई संदेह उसके बारे में नहीं। परिवार को मिले न मिले, लेकिन परिवार के उसके जितने उत्तरदायित्व हैं वो सबको पूरा करेगा। तो इस पूर्णता को आप इस प्रकार से देखना होगा कि क्या दिखा रही है। केवल मृत्यु से मत लीजिए कि आठवीं दृष्टि पड़ गई चीज खराबी हो जाएगी, नो, यहाँ पर आठवीं दृष्टि अच्छी है। शरीर जर्जर हो गया था, छोड़ना ही था कभी न कभी, और हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, चाहे दवाई हो या शरीर हो या कोई संबंध हो, तो जब एक्सपायरी डेट आती है इसको खत्म होना ही होता है। अल्टीमेटली शरीर को पंच तत्व मिलना ही है, तो मंगल इसमें सहायता कर रहा है, पूर्णता क्यों ले जा रहा है। तो इसको निगेटिव सेंस मत दीजिए। प्राय लोग डर जाते हैं, अच्छा मृत्यु की बात आ रही है तो निगेटिव होगा, लेकिन मंगल की आठवीं दृष्टि जिस भाव पड़ेगी उस भाव की पूर्णता को दिखाएगा, यानी मनुष्य अपने पुरुषार्थ के द्वारा उस सब्जेक्ट की पूर्णता को पा सकेगा। तो इस प्रकार से देखिएगा, और चौथी दृष्टि जहां पड़ेगी उस चीज को प्रारंभ कर सकेगा। तो आठवीं दृष्टि पूर्णता को दिखाएगी और चौथी दृष्टि उसका प्रारंभ दिखाएगी, कैसे बढ़ाएगा। बृहस्पति ने क्या बताया था, पांचवी दृष्टि पहली है स्थायित्व दिखा रही है, न बिगिनिंग एंड, केवल स्थायित्व जो जैसा चलाने की कोशिश करेगी। नवी दृष्टि क्या दिखाएगी, दिखाता हूं आपको। अब शनि एकादश से इसको अपनी दसवीं दृष्टि देख रहा है, तो शनि भी वही बात कह रहा है कि जिस कार्य की पूर्णता होनी है शनि उसको अपनी दसवीं दृष्टि देखेगा। एक अंतर है, मंगल समापन करा के समाप्त करे रुक जाएगा वहीं पर, शनि का कार्य जारी रहेगा उसके आगे भी, तो पूर्ण कराएगा उसको पूर्णता के आगे भी ले जाएगा। कि जैसे कि आदमी मैंने शरीर छोड़ दिया, तो शनि ने पहला कार्य कराया शरीर को छोड़ने में इसकी सहायता की, समापन करा दिया, लेकिन उसके बाद भी जो ऋण बंधन है, उसकी जो मिक्सिंग दिखाई थी दसवें और ग्यारहवें की, उनको करेगा। तो शनि पूर्णता की ओर ले जा करके उसको और आगे बढ़ाएगा, नेक्स्ट स्टेज ले जाएगा, मानी एक चैप्टर समाप्त किया दूसरा चैप्टर खोलेगा। तो अगर आदमी कोई पूछता है कि मैं तो रिटायर होने जा रहा हूँ और उस समय पर दसवीं दृष्टि आ रही, तो बेशक रिटायर जरूर होने, कुछ दूसरा काम मिलेगा आपको, अनवरत कार्य जारी रहेगा, लेकिन एक चैप्टर समाप्त होकर दूसरा चैप्टर खुल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा अंतर है तीसरी दृष्टि का और दसवीं दृष्टि का, कि एक ओर पूर्णता है और दूसरी ओर अनवरत कार्य जारी रहने का, लेकिन दूसरे क्षेत्र में, क्षेत्र बदल जाएगा। जैसे मैंने आईएएस रिटायर हुआ, अब दूसरी एजुकेशन फील्ड काम कर रहा हूँ, कल्चर फील्ड काम कर रहा हूँ, कार्य अनवरत जारी है, कार्य नहीं रुका एक दिन के लिए भी,
फील्ड बदल गई। तो उसी प्रकार से शनि की दसवीं दृष्टि ये दिखा रही है कि एक चैप्टर को समाप्त करके आदमी दूसरे चैप्टर को खोलने में समर्थ है, दूसरा कार्य करने में समर्थ है, कार्य अनवरत करता रहेगा, कार्य रुकेगा नहीं। तो इस दृष्टिकोण देखा जाए तो दसवीं दृष्टि शनि की बहुत इंपॉर्टेंट है। न केवल दिखाता है कि मनुष्य क्षमता है उस कार्य को पूरा करेगा, बल्कि उसको पूरा करके कोई नया काम भी कर सकेगा, अनवरत करता रहेगा, उसके अंदर सामर्थ्य है, क्षमता है, और इतनी अधिक उसके अंदर फोकस रहे कि कुछ और भी कर सकेगा आराम से। तो जब इस प्रकार शनि की दसवीं दृष्टि जोड़ेंगे तो आपको आनंद आया कि यस, आज हमने शनि को ढंग से पहचाना कि केवल शनि निगेटिव प्लेनेट नहीं, बहुत ही पॉजिटिव प्लेनेट है, आपका शुद्धिकरण करता है और अनवरत कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करता है। अब देखिए, आदमी का प्रारब्ध अब तो साथ चला, स्थायित्व दे रहा था, अब शरीर छोड़ रहा है, तब क्या होगा? बृहस्पति ने मीन राशि से अष्टम को देखा लेकिन नवी दृष्टि देखा, तो इसके अंदर कि अब प्रारब्ध का रोल इसमें ज्यादा नहीं रहेगा, जो कुछ करना था पहुंचा दिया, अब इसके आगे मैंने कुछ नहीं करना, भाई अपने आप देख लेना, मेरा कार्य समाप्त हुआ, आई विल नॉट हेल्प यू फर्दर, कार्य समापन हुआ। तो इससे ज्योतिषी भाषा में कहा जाए, इसका तात्पर्य यह हुआ कि शनि वो बृहस्पति जिस भाव को भी नवीन से देखेगा, ये इंश्योर करेगा कि आदमी ऑलरेडी इतने रिसोर्सेज हैं कि उस कार्य का समापन कर दे, और उसमें जितनी भी नेचर से मदद मिलनी है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, ओनली हैज टू सी। जैसे मान लिया आप डॉक्टरेट कर रहे हैं, आप आशंकित हैं, हो पाएगा कि भाई मैं मटेरियल नहीं, मैं कैसे पूरा करूंगा, लेकिन अगर नवीन दृष्टि पड़ रही है आपकी पंचम स्थान पर, तो इसका मतलब ये कि आपके पास में उसका मटेरियल अवेलेबल है, गाइड के पास में है, थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है और आपको सब चीज उपलब्ध हो जाएगी, ये कार्य पूरा हो सकेगा। तो बृहस्पति की नवीन दृष्टि स्पष्ट बताती है कि जो भी साधन चाहिए वो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, यू आर नॉट अवेयर। इस बात को अगर मैं गीता का एक श्लोक कोट करूं, उससे और स्पष्ट होती है, मंगल शनि बृहस्पति कैसे आप जिंदगी में रोल प्ले करते हैं। आज इसको लगाएंगे धूमेन, कृष्ण थोड़ा जल्द दे दी लगे था तो पूछे यार, मैं यही अच्छा रखा, सॉरी आपके कल का रखा हुआ, इसको बदलना ही पड़ेगा, ये कल से भी चला आ रहा है। एक बड़ा ही अद्भुत श्लोक है, भगवान की वाणी है तो हर चीज अद्भुत ही है उसके अंदर, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण देखते तो आनंद आता है कि भाई क्या बात है, इस पे पहले दृष्टि क्यों नहीं मिलती, यार ये लोग ये रख लेंगे, इन्होंने भी संधि करके लिखा हुआ है नहीं, इसीलिए ताकि सबको समझ आ जाए, बड़े सारे लोग जानते हैं, मुझे तो नॉर्थ से साउथ ईस्ट से वेस्ट सब्जेक्ट बोलना होता है, तो वहां पे अगर इकट्ठा लिखते हैं तो मैं पढ़ लूंगा, धू महीने आवृत्ति बनी यथा दर्शो मलिनचा, लेकिन जब बताते यथा आदर्श मलिनचा तब लोग समझ पाते हैं क्या कहा गया। तो इसमें पहले चर्चा करता हूं आदर्श की, शायद सभी लोग न जानते हो कि आदर्श कहते हैं दर्पण को, और क्यों कहते हैं? आदर्श जो जैसा वैसा दिखाने वाला, कोई चित्रकार है कितना ही बढ़िया चित्र बनाए, दूसरा चित्रकार आएगा उसको कुछ कलर एडजस्ट करके इम्प्रूव कर देगा, आपने कैमरे से फोटो ली, दूसरा आदमी आएगा लाइट एंड शेड को एडजस्ट करेगा और अच्छी फोटो ले लेगा, लेकिन जो आदर्श छवि बन रही इसको कोई इम्प्रूव नहीं कर सकता, दैट अल्टीमेट, इसीलिए इसको कहा गया आदर्श, और यही से निकला है कि आदर्श सिद्धांत है, ये आदर्श व्यक्ति है, दैट मींस क्या गया, संभव ही नहीं है, अल्टीमेट आ गया। लेकिन उस आदर्श पर जब मल आ जाए तो छवि धूमिल हो जाती है, तो जब तक मल हटाया नहीं जाए, जैसे मैंने आपको कहा हनुमान चालीसा से पहली लाइन आती है, मैंने शायद यहाँ बताई थी उस दिन आपको, परहैप्स आई स्पोकन ऑन दैट फर्स्ट लाइन ऑफ हनुमान चालीसा, अरे यह सर ने जवाब दे, कहा नहीं, कहा मैंने नहीं कहा, अरे ऐसा कैसे गलती हो गई मुझसे नहीं कहा, क्यों हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, लेकिन अगर थोड़ा उसका भाव समझ लें तो आपको उसका आनंद आएगा कि मैंने क्यों पढ़ा, अर्थ क्या हुआ। तो पहली लाइन जो कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, तो ये अद्भुत बात है कि नॉर्मली आप गुरु पर जाते हैं चरण स्पर्श करते हैं उसके, यहाँ पे कहा नहीं, मैं चरणों की धूल लेता हूँ। ये बड़ा ही सिंबॉलिक तरीके से बाबा ने वो बात कह दी, बाबा तुलसीदास ने, कि जो अल्टीमेट है, और कल प्रश्न आ रहा था, आज हमारे गुप्ता जी ने इनका प्रश्न उठाया था कि राहु को जानने के लिए,
उसको समझने सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि गुरुओं की चरणों की धूल ला करके अपने हृदय के आदर्श को साफ करता हूं, इसमें मल जमा हुआ है और वो मल गुरु के चरणों की धूल से ही जाएगा। प्रश्न आता है कि आदर्श तो अंदर है और धूल आप यहां मल रहे हैं, साफ कैसे होगा? लेकिन ये केवल आलंकारिक भाषा है। तात्पर्य यह है कि मेरे मन में बोध आ गया कि मैं करता हूं, इस कर्तापन के अहंकार कारण मैं संसार के प्रपंच में फंसा हूं। अब ये आवश्यक है आपके मन में जो भाव आ रहा है उसको हटाना है तो विरोधी भाव लाना होगा। अगर आपको ठंड लग रही है तो आप आग जलाएंगे, गर्मी लग रही है तो पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे। उसी प्रकार से अगर मन के अंदर कुछ अहंकार, कुछ कर्तापन आ गया है, वो कैसे जाएगा? केवल और केवल समर्पण से, टोटल समर्पण से, पूरी श्रद्धा से। क्यों? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब तक पूरी श्रद्धा से आप समर्पित नहीं होंगे वो अहंकार जाएगा नहीं। तो उन्हें सिंबॉलिक बात कही, मैं गुरु के चरणों की धूल लेकर के रगड़ रहा हूं, दैट मीन्स कि मैंने न केवल चरण छुए, उससे भी नीचे की स्टेज जा करके अपने टोटल समर्पित कर दिया गुरु को कि मैं कुछ हुई नहीं। अब अगली लाइन इससे भी अद्भुत है, देखें कैसे कनेक्शन बनाया बाबा ने। वर्णो रघुवर विमल जस, ये यश तो विमल था लेकिन मेरे हृदय मल था। अब ये उस मल को यहां से जोड़िए, जो यहां भी मल यथा आदर्शा मलिनचा, दोनों को जोड़िए। क्योंकि हृदय में मल था और वो चीज विमल थी, अगर मैं पहले इसको वर्णन करता तो ये चीज दूषित हो जाती। इसमें अगर पहले से दो मक्खियां पड़ी हों और कितना शुद्ध जल डाल दें इसमें, वो जल भी दूषित हो जाएगा। तो अत्यंत आवश्यक था कि पहले मल निकल जाए, तत्पश्चात वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चाहे, ताकि मुझे धर्म अर्थ मोक्ष जो भी चाहिए। काम छोड़ दिया मैंने जान करके, जो बाबा का तात्पर्य उसी तीन से काम चल रहा था, लेकिन यहाँ पे सांसारिक आदमी के काम ही रहेगा। नेक्स्ट लाइन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बुद्धिहीन तन जान के, मैं जानता हूं मेरा तन है लेकिन इसमें बुद्धि नहीं। अगर बुद्धि रही होती तो प्रपंच में फंसता नहीं। सुमिर पवन कुमार, अब मैं अपने आध्यात्मिक गुरु की याद करता हूँ। पहली स्टेज भौतिक, भौतिक गुरु याद किया, नेक्स्ट स्टेज आ गई आध्यात्मिक, हायर लेवल, सूक्ष्म लेवल पहुंच गए। हर चीज होती पहले ग्रॉस देन सटल, स्थूल शरीर देन सूक्ष्म शरीर। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि पहले भौतिक गुरु को याद किया, उनको समर्पण किया, और अब मैं याद कर रहा हूं अपने आध्यात्मिक गुरु को। और किस लिए याद कर रहा हूं? बल बुद्ध विद्या दिए हुए। प्रश्न आता है कि पहले कहा मेरे पास बुद्धि नहीं है, तो यहां पर मांगा पहले क्या बल? और यही विशेषता है हनुमान चालीसा समझने की। उन्होंने बल इसलिए मांगा कि अगर ये वायर है इसमें 5 एम्पीयर की कैपेसिटी है, इसमें 50 एम्पीयर करंट डाल दी जाए गल जाएगा। तो उसी प्रकार से कहा कि मैं शरीर इतना कामनाओं से वासनाओं से जर्जर हो चुका है, अगर आप ऐसे ही कृपा डाल दी तो शरीर भी भस्मीभूत हो जाएगा। तो पहले इतना बल दीजिए कि जो आप जो कुछ देंगे तो होल्ड कर सकूं। तो इसलिए पहले बल, फिर विद्या, फिर बुद्धि और फिर विद्या, यानी पहले कंटेनर देन हार्डवेयर देन सॉफ्टवेयर, तीनों चीज इकट्ठी मिलाई आज की भाषा में, तो तब सिस्टम काम करेगा। हरहु क्लेश विकार, और साथ में ये क्लेश विकार भी निकाल दीजिए ताकि ये सिस्टम मेरा काम कर सके। इसमें किसी किस्म का वो क्या बोलता है इसके वायरस ना रहे। अगर वायरस रहेगा सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगा। आप देखा 2-3 बार यहाँ पे कुछ सिस्टम खराबी आई, ये पूरा सिस्टम फिर फेल हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे आपने कंटेनर दिया, हार्डवेयर दिया, सॉफ्टवेयर दे दिया है, लेकिन अगर वायरस पड़ा रह गया तो इसमें वो डाल दिए, वो नॉर्टन फ्री क्या डालते हैं इसमें ताकि इसमें वायरस आने नहीं पाए, ये भी डाल दिए, सो दैट सिस्टम ऑपरेट्स। तो आप देखिए आज की भाषा में कि गोस्वामी जी हनुमान चालीसा लेखक लोग कहते ना कि इसको पाठ करें फल मिलेगा, तो इतना डीप रूटेड है। मैं विषय परिवर्तन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इच्छा होती कई बार पूरी सी चर्चा करूँ, लेकिन सिर्फ ये दोहे ये बताने काफी हैं कि जो कुछ कहा गया है केवल शब्द नहीं है। इनके एक एक शब्द जब मंथन करेंगे आप पता लगेगा कि मैंने हनुमान चालीसा क्यों पढ़ा और क्या इसका लाभ हुआ, यानी इस पे आते हैं। तो वही आदर्श यहाँ पर है, इस पे मल पड़ा हुआ है, लेकिन इस मल को अपने पुरुषार्थ से आप हटा सकते हैं। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति कुंडली में मंगल लग्न या लग्नेश को देख रहा है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि उस आदमी के पास पूरी संभावनाएं हैं, परंतु वो जितना भी परिश्रम करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है। कोई बच्चा कहे कि मेरे पढ़ाई में कितने नंबर आएंगे, आप देखिए इसका मंगल जो है लग्न या लग्नेश देख रहा है, तो कहे बेटा तो वही उतनी तैयारी नहीं कर रहे हो जितनी करनी चाहिए। आप देखिए इसे दिखाया, ये आदर्श दिखा दिया, इसमें धूल पड़ी हुई है, लेकिन इस धूल को आप पुरुषार्थ से इस मल को टोटली हटा सकते हैं और बिल्कुल बढ़िया सा क्लीन दर्पण आ जाएगा, अब इसमें छवि सही बनेगी। ज्योतिषी भाषा में जब कभी भी लग्न या लग्नेश को मंगल देख रहा है तो आदमी इतना परिश्रम नहीं कर रहा जितना करना चाहिए।
केवल उसको प्रेरित करने की आवश्यकता है कि आप और प्रयास करो, अधिक प्रयत्न करो, आप सफल होंगे। यू कुड बी टॉपर। सवाल यह है कि आपका सब कुछ है लेकिन आप ही थोड़ा सा ढीले पड़ रहे हैं, फोकस नहीं है। बी फोकस, यू कैन डू इट बेटर। तो अथा दर्शा मलिंचा, आप पहले ही पाते हैं धूमेन आवृत्ति वनहीन। मेरे जान के पहले इसको लिया है, अब वापस आ रहे हैं पहले वाले स्टेप पे कि धूमेन आवृत्ति वनहीन। जब भी कहीं आग होगी तो धुआं अवश्य होगा, और धुआं ही इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ थोड़ा सा कण है जल के जो इसको धुआं के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इसका बड़ा सुंदर सा उदाहरण है, एक बार विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से यही प्रश्न किया कि आपको इतना कष्ट है कि देखने वालों को आंखों आंसू आ रहे हैं, आप पे कोई फल दिख ही नहीं रहा, कि इतना कष्ट आप कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नरेंद्र एक काम करो, पास में एक बंगाल की थी और नारियल मिलता है, पहले हरा नारियल दिया कि नरेंद्र को ऐसा तोड़ो कि अंदर की गिरी बिल्कुल इकट्ठी रहे और जल अलग निकल के आ जाए। तो उनका महाराज नहीं हो सकता है, जब हरे नारियल तोड़ूंगा तो उस गिरी भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और पानी भी छिटके, वो तो निकाल सकता हूँ लेकिन अलग हो नहीं, संभव नहीं। तो हंस के कहा, अच्छा दूसरा सूखा नारियल था इसको तोड़ लूँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं, हाथ मारा यूँ तोड़ निकाल दिया, गोला पूरा पकड़ा दिया इनके हाथ में। ये कुछ समझे कि महाराज नहीं समझा, क्योंकि जब तक इसका ये खोल इसके अंदर की वासना से जुड़ा हुआ था तो इसके अंदर जो हो रहा है इसको अनुभव कर रहा था। अब दोनों पृथक हो गए, बिल्कुल पृथक है दोनों। अब जो कुछ शरीर पे हो रहा है उससे आत्मा बिल्कुल परे है। जिस दिन ये समझ लोगे तो शरीर पे क्या हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं जान रहा हूं, मैं शरीर को भोगते देख रहा हूं और तुम भी देख रहे हो, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं तुम भी देख रहे हो, तो जो हो रहा है उसको होने दो और कभी तुम उसको अनुभव करोगे। उन्होंने तभी हिंट दे दी कि तुमको भी ट्यूबरक्लोसिस होगी, तुम भी भोगोगे, लेकिन विवेकानंद इस उदाहरण के कारण ही बड़े आराम से काट पाए, कोई कष्ट नहीं हुआ उनको। ही कुड फील द सेम थिंग जो उन्होंने अपने गुरु को देखा था। तो ये जो शब्द आता है यहाँ पे, धूमेन आवृत्ति वनहीन, जी जब तक कास्ट में थोड़ा सा भी वाष्प है, थोड़ा सा भी जल है, तो धुआं होगा ही होगा। लेकिन अगर ऐसी लकड़ी ले आइए जिसमें बिल्कुल भी जल का वाष्प का कण हो, तो फिर धुआं नहीं उठेगा। अब धुआं किसका प्रतीक है? वायु तत्व का, दैट मीन्स शनि का। तो इसके तात्पर्य क्या हुए कि जब कभी भी आपके लग्न या लग्नेश को शनि देख रहा है तो इसके अंदर कि आपके अंदर क्रोध की मात्रा काफी है, आपने क्रोध कारण कार्य खराब कर रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन आपका क्रोध आप अहंकार काम खराब कर रहा है। तो अगर अपने क्रोध पे आप कंट्रोल कर लेंगे, उस धूम को रोक लेंगे ध्रुव को, तो हर चीज ठीक आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक आपने अपने पर कंट्रोल नहीं किया, निज पर शासन तब अनुशासन, आप दूसरों अनुशासन करना चाहते लेकिन अपने पर शासन नहीं किया। जिस दिन अपने पर शासन कर लेंगे तो अनुशासन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसलिए जिनकी भी लग्न में कुंडली में अगर शनि आपकी लग्न या लग्नेश देख रहा है, बी केयरफुल, थोड़ा सा क्रोध कम करना शुरू करो, धीरे धीरे अभ्यास करो। तो जो काम खराब हो रहा है उसका कारण आप स्वयं है कि अपने पर आपका कोई शासन नहीं है। दुनिया पे आप अनुशासन करना चाहते हैं, कंट्रोल इट, सब ठीक हो जाएगा। तो पहला हुआ शनि के बारे, धूमेन आवृत्ति वन्नी, और दूसरा यथा दर्शो मलिनचा। अब थर्ड, यथा उल्विन अवृता गर्भा, जिसका बच्चा माँ के गर्भ में है, तो बच्चा जब माँ के गर्भ होता है उसके एक झिल्ली लिपटी रहती है, वो उसके अपने प्रोटेक्शन के लिए है। अगर वो झिल्ली फट जाए तो बच्चे का माँ के गर्भ रहना असंभव हो जाए, तुरंत सीजरिन कर निकालेंगे अन्यथा बच्चा वहीं मर जाएगा। बाकी जो स्त्री तत्व हैं बच्चा उससे समाप्त हो जाएगा। ज्योतिषी भाषा में अर्थ क्या हुआ कि आपको सभी प्रकार की आध्यात्मिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप स्वयं से परिचित नहीं है। जिस दिन आप परिचित हो जाए, इसका तात्पर्य आपके पिता में ही गुरु है, जो पिता है आपके वो गुरु के समान कार्य कर रहे हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो प्रोटेक्टिव लेयर आपकी दाएं बाएं अवेलेबल है, अर्थात जब भी बृहस्पति लग्न या लग्नेश को देखता है किसी कुंडली में, इसके उसको ऑलरेडी गुरुवत कोई आदमी उपलब्ध है, वो आदमी जानता नहीं। जिस दिन जान जाएगा, ज्ञान लेना शुरू कर देगा, बड़े आराम से काम चल पड़ेगा, लेकिन वो उसको उसका आभास नहीं हो रहा है कि मुझे कौन ज्ञान दे रहा है। तो तीन कंडीशन है तीनों ऑटो प्लेनेट की। अगर मंगल कोई संबंध बना रहा है लग्न या लग्नेश से, तो आदमी की अपने पुरुषार्थ में कमी है, उसको अपने अंदर झांकना चाहिए कि मैं कैसे अपने पुरुषार्थ को बढ़ाऊँ, कैसे फोकस होकर काम करूँ ताकि मैं कार्य को सफल कर सकूँ, पहला। और दूसरा,
अगर शनि का कोई संबंध लग्न या लग्नेश से बन रहा है तो आपके अंदर क्रोध की मात्रा बहुत है, उसको कंट्रोल करें और धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगेगा। एंड थर्ड, जुपिटर का कोई संबंध या गुरु का कोई संबंध लग्न या लग्नेश से है तो आपको बहुत ही अर्ली स्टेज से कोई आदमी ऐसा मिला हुआ है जो आपको गुरु के समान ज्ञान दे सकता है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस दिन ध्यान देंगे आपको ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। तो ये तीन सिचुएशंस हैं जहां पर लग्न लगने का संबंध इन तीन आउटर प्लेनेट से बनता है। को मैं देखा दिखा भी दिया आपने। अब कल वाले विषय वापस आते हैं, अनुरक्त ग्रह। कल हमने डिस्कस किया था राहु, अगला शीट लगा दो, कोई सभी प्लेनेट। मेरे ख्याल सबको पता है अनुरक्त ग्रह, अब तो सब जानते हैं, कोई कहने। अगर किसी को जरा भी डाउट हो इस CPPL या अनुरक्त ग्रह के बारे में हाथ खड़ा कर सकता है। अगर किसी को डाउट है आपको, क्या डाउट बताइए। हाँ आप दिखा देते हैं, आप बताए नहीं पता किसी लगे दिखा देंगे, इसके बाद दिखाएंगे। ये आशीष जी करें, एक श्लोक का दिखा दिए बड़ा अच्छा रहेगा, तो उसके बाद समझ सकेंगे। वासन जी कोई दिखा दो। अच्छा भाई, एक इनके अनुरोध पर एक श्लोक का देख लीजिए। नॉर्मली मैं श्लोक तब दिखाता हूँ जब मैनेजमेंट बोलता हूँ, गीता एंड मैनेजमेंट, ये वहाँ का श्लोक है, लेकिन यहाँ बात आ गई है तो यहाँ दिखा देते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है और लोग अक्सर इसको गलत समझते हैं कि ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम। तो इसमें बड़ा अजीब लगता है कि जो मेरा जिस प्रकार से भजन पूजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन पूजन करता हूँ। तो लोग कहते हैं बड़ा इलॉजिकल सी बात कही जा रही है। इफ देयर इज अ गॉड, इट्स बट नेचुरल दैट मैन शुड वर्शिप गॉड, बट व्हाई गॉड शुड वर्शिप मैन, देयर इज नो जस्टिफिकेशन, देयर इज नो रैशनल। यानी कोई भी हमारे पास का कारण नहीं है कि ईश्वर भी मनुष्य करे उसी प्रकार सोचे जैसे मनुष्य सोचे उसके बारे में। लेकिन ये एक प्रतीकात्मक है, इसको समझने के लिए एक आपको दिखाता हूं प्रतीक, देखिए उसको समझ सकेंगे आप। अगर मान लीजिए किसी पहाड़ के सामने खड़े हुए आप और पहाड़ के बीच में कोई भी व्यवधान नहीं है और आपने चिल्लाया यू आर ग्रेट, तो आपको क्या सुनाई पड़ेगा, यू आर ग्रेट, ठीक है ना। और आपने कहीं भूल से कह दिया यू आर फूल, तो आप सुनाई पड़ा यू आर फूल। तो तात्पर्य क्या है कि आप जिस प्रकार की भी भावना क्रिएट कर रहे हैं ये निर्जीव सत्ता आपको वैसा ही वापस कर रही है। तो कृष्ण कह रहे हैं जब ये निर्जीव सत्ता ऐसा कर रही है तो जो सजीव सत्ता है अल्टीमेट वो आपकी किसी फीलिंग को अपने बारे नहीं रखेगी। अगर आप निगेटिव मेंटेलिटी के आदमी हैं तो आपको लगातार निगेटिव मेंटेलिटी मिलती रहेगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिव मेंटेलिटी में जी रहे हैं तो आपके जीवन में धीरे हर चीज पॉजिटिव होने लगेगी। लेकिन अगर लगातार निगेटिव मेंटेलिटी के हैं, आप किसी कार्य कोई ना कोई आदमी मिल जाएगा जो हर एक की बुराई करेगा, ये जैसे वोट खे जाएगा सब उसकी बुराई करेंगे, नेचुरल सी बात है। तो इनका कहने तात्पर्य इतना है कि जो जिस प्रकार के वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा उसको वैसे ही वाइब्रेशन वापस मिलेंगे। एक छोटी सी कहानी इसके साथ में और है, ये रियल स्टोरी है, प्राणों से ली हुई। एक राजा अक्सर प्रातःकाल अपनी छत पर टहला करता था और सामने से उसी टाइम पर एक लकड़हारा जाता था। राजा से देखता था तो कितना अच्छा आदमी है, आज शाम को इसको कम से कम 100-200 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, इसका पालन पोषण करे और सुखी रहे। बहुत गरीब लकड़हारा है। शाम को राजा फिर टहलता था, तब तक लकड़हारा लकड़ी काट वापस जा रहा होता था और उसको देख राजा कहता बड़ा पापी आदमी, कल सुबह इसकी गर्दन कटवा दूंगा। कुछ दिन होता रहा तो राजा बड़ा ताज्जुब हुआ, ये भी वही है, मैं भी वही है, मैं ऐसा बार बार क्यों करता हूं। तो उन्होंने अपने महामंत्री बुलाया भट्टराय जी को, भट्टराय जी ये बड़ी समस्या आ गई, इस दुविधा का कोई समाधान निकालिए, ये क्यों होता है, लकड़हारा भी वही है मैं भी वही हूं, ये अलग दो भावनाएं मेरे अंदर क्यों होती हैं। तो भट्टराय जी ने किया कि अगले दिन साधारण कपड़े पहने और लकड़हारे बनके वो भी चल दिए साथ साथ उसके, और रास्ते में बात करने लगे कि मैं किसी दूसरे शहर से आया हूँ, सोचता हूँ इस शहर में बस जाऊँ या ना बसूँ, क्या करूँ मैं। लकड़हारा उतरे, वाह सही निर्णय लिया आपने, बहुत ही सुंदर शहर है, राजा बहुत अच्छा है, बड़ा दयालु है, हर चीज उपलब्ध है, यहीं बस जाओ कहीं मत जाना। बात करते करते आगे जंगल चले गए, लकड़हारा अपने काम में लग गया और भट्टराय जी मुड़ करके वापस आ गए अपना काम करते हुए पूरा दिन। इधर चेले चपटे पहुंचे, गुप्ता जी आपकी बड़ी कमी खट रही थी, मजा नहीं आ रहा था बोलने में, आंखें बाहर ढूंढे गुप्ता जी कहाँ हैं, बैठिए
आप तो बैठ जाएंगे ना? हाँ बैठिए। बड़ा सुना सुना लग रहा ना, कि देख खाना पूरा हो और नमक ना हो उसके अंदर, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। शाम को जब लकड़ा पूरी लकड़ी काट ली, तो मंत्री जी ने भी जो उनके चेलों की लकड़ी छोटी काट रखी थी वो गट्ठा बना दिया था, उठाया कंधे चल दिए। तो लकड़हारे ने प्रश्न किया, बस इतनी लकड़ी? मैंने कहा भाई नया नया आया हूँ, अभी अभ्यास नहीं है तो इतनी काट पाया हूँ, मैं पहले ये काम नहीं करता था। और तुम बताओ तुम्हारा कैसा हुआ? अरे बहुत सुना, दो सूखी चंदन लकड़ी मिल गई हैं। तो उसका क्या करोगे? बेचो ना, इतना मूर्ख नहीं हूँ मैं, जितनी सूखी चंदन लकड़ी मिलती है अपने इकट्ठा करता हूँ और एक ही कामना करता हूँ कि राजा को मरना कभी है ही, ईश्वर ऐसा करे कि जिस दिन राजा मरे खूब बरसात हो रही हो और कहीं सुखी चंद्र की ना मिले, मैं सोने भाव भेज दूं इसको। भट्टा जी को समझ गया कि कारण क्या है। सुबह ये कहता जाता राजा दयालु है, तो राजा के मन में ऐसी भावना उत्पन्न होती है, और शाम को सोचता ही है कि मरे और मरे भी ऐसे दिन कि बारिश हो रही हो, कहीं सुखी लकड़ी मिले नहीं और सूखा चंदन मेरे पास है, सोने भाव भेज दूंगा। तो वही कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि जो जैसी भावना लगातार रहेगा उसको धीरे धीरे उसी प्रकार के वाइब्रेशंस क्रिएट होते जाएंगे। तो बी ऑलवेज पॉजिटिव, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चला रहे हैं तो बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये विषयांतर हो गया, इन्होंने करा दिया थोड़ा सा इनके इनके अनुरोध पर। अब हम वापस आते उधर। अब कर दिया तो चलो ठीक है, अभी क्योंकि मेरा भी नब्ज इनके हाथ में है, पता नहीं कब दबा दे। लोग कहते हैं अपनी गर्दन किसी हाथ देना नहीं चाहिए, पता नहीं कब दबा दे। अब मेरी गर्दन इस समय इनके हाथ में है, अगर ना चलाए तो मैं बेकार हो गया। अब देखिए इसमें शुक्र है अनुरक्त ग्रह, तो जिन जिन का शुक्र अनुरक्त ग्रह है, नहीं सॉरी वो दिखा दो पहले, मुझे पता कि वो अनुरक्त डायमंड वो सॉरी वहां मुझे याद आ गया। तो पहली बात तो ये थी अनुरक्त ग्रह कौन होता है, आपका जो भी जन नक्षत्र है उसका जो स्वामी है उसे छठा उसी ऑर्डर मिल लीजिए, वो आपका अनुरक्त ग्रह बन जाएगा। ठीक हस्त में हुआ, ठीक है, तो आपका आपका बुध होगा जाकर के अनुरक्त ग्रह। तो जहां पर भी आपका बुध बैठा हुआ है वो आपका सीपीपीएल यानी सेंट्रल प्लेन ऑफ प्रीवियस लाइफ या अनुरक्त ग्रह करें। तो ये बुध दिखाया गया कि पिछले जन्म में आपकी अनुरक्त किस्में थी, वो जिस भाव में जहां पर बैठा हुआ है, अगर आप बता दें कहां पे है, तो थोड़ा सा मेष में भाव कौन सा है? सप्तम भाव में ठाव। अब बड़ा अद्भुत सीन बन गया इसका, विद्यो परमिशन आई स्टार्ट। इनके सप्तम भाव में बुध बैठा हुआ है, अब देखें क्या हुआ। ट्वेल्थ लॉर्ड हो गया, ठीक है ना, और नवम का लॉर्ड भी हो गया, तो इसके तात्पर्य क्या हुए, और लग्न को देख रहा है। तो पिछले जन्म में इन्होंने क्यों नवमेश बन के बैठा हुआ, लेकिन नवमेश की इतर राशि है, मूल त्रिकोण राशि नहीं है, मुगुल त्रिकोण राशि कन्या है। वो ट्वेल्थ हाउस में जा रही है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि पिछले जन्म में इनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं आध्यात्मिक जगत में कुछ करूं, अनोखा करूं, और क्योंकि सीधा लग्न संबंध बना रहा है तो उत्कृष्ट कोट के ब्राह्मण थे ये, लेकिन कुछ विदेश के ऐसे संसर्ग लगा इनको, भोग ऐसे विदेश के मिले इनको कि उसको छोड़ करके जो साधना की कराई थी, काफी काम कर लिया उस आध्यात्मिक क्षेत्र में, और उसके बाद ऑल ऑफ सडन देश विदेश किस में, भोग किस में, और चीज इकट्ठे करने के लिए एंड ट्रेडिंग इस सब चीजों में लग गए। यानी एक काफी लंबी स्टेज पहुंचने के बाद ऑल ऑफ सडन दरवाजे यू टर्न टू अदर साइड। अब क्या स्थिति बनी, एक और कृष्ण कहते हैं कि जिसने जितना कर लिया है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। इसका एक अलग श्लोक है, नहीं दिखा रहा हूं, कि जिसने जितने भी कर्म कर लिए हैं वो ऋण बंधन के साथ चलेंगे, पॉजिटिव निगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव साथ रहेंगे। तो इन्होंने जो भी कर लिया था अध्यात्म क्षेत्र में वो तो इनको एज इट इज दे दिया गया, प्लस इस जन्म में एक ऐसे परिवार में जन्म दिया जहाँ के द्वारा ये आस पास पूरा देख सके हैं ये ट्रेडिंग कॉमर्स ये सब क्या होता है। तो क्या दोनों संगम कर दिया। अब इनके भोग पूरे तब होंगे जब आध्यात्मिक क्षेत्र पुनः जहां से छोड़ा था उसकी और आगे बढ़ाएंगे, जब कम से कम तीन किताबें लिख लेंगे बिल्कुल ओरिजिनल टाइप की। और आज डिक्लेयर कर रहा हूं इनकी तीन किताबें आएंगी, बड़ी अद्भुत किताबें आएंगी। आप प्रश्न ये मत करिए तीन की उम्र नहीं बताऊंगा मैं, अकेले कोई बता दूंगा, लेकिन तीन किताबें आएंगी बड़ी अद्भुत इनकी।
जैसे इनकी तीन किताबें कंप्लीट होंगी इनके जीवन में एक आमूल परिवर्तन आ जाएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो और उसका समय आ गया है, आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। चलिए अब प्रारंभ करते हैं। अब अगर किसी का जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ है, अश्विनी में, मूल में, मघा में, तो बड़ा तात्पर्य क्लियर हुआ कि केत बंधा हुआ है राहु से, तो पिछले जन्म में माया के कारण उसको जन्म लेना पड़ा, अनुरक्त माया में थी, तो राहु बना उसका सीपीपी है या अनुरक्त, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। छठा नक्षत्र, हाँ, उसका लॉर्ड, बात ग्रह की हो रही, नक्षत्र बात नहीं हो रही, ग्रह की लॉर्ड की बात हो रही है। लॉर्ड कौन सा, जैसे इनका इनका हस्त है, हस्त के चंद्रमा होता है, उसे हमने जोड़ लिया, छठा बुध आ गया कि बुध इनका हो गया, तो बुध इनके लिए मेन प्लेनेट है। अगर इनकी जैसे ही बताया बुध है और सातवें घर बैठा हुआ है, द्वादशेष और नवमे शुक्र, इनकी पूरी लाइफ मेरे सामने आ गई, अब आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं मुझे, इतने से ही काफी है। अगर बृहस्पति और मिल जाए तो उसमें और आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन इतना ही काफी है, क्योंकि ये आपके इमीडिएट पास्ट लाइफ में बता रहा है। ये ऐसा अद्भुत ग्रह, एक अकेला इसको आज जान जाएंगे, इसमें दो तीन बातें संशय कर ली मैंने, उनको बाद में बताऊंगा मैं। वो उसके चर्चा मैंने कहा ना, मैं कुछ सेंसर कर लिया, अभी कहा नहीं कहा। आप क्यों चाहते हैं मैं अभी बताऊं, मैंने कहा आपसे अकेले बताऊंगा, मैंने जो आपने कहा सुन लिया, लेकिन जो नहीं कहा वो ज्यादा सुना है, मैंने जो कहा सुना धीरे से, जो नहीं कहा ज्यादा सुना है, तो बाकी क्या पोजिशन है वो आपको अकेले बताने वाली, सबके सामने नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आगे पूरा दिखाते चलिए। तो अगर राहु की दशा में जन्म हुआ है तो मायावादी कब फंसता है, जब भोग की इच्छा होती है, तो उसका अनुरक्त ग्रह बनेगा शुक्र। और अगर शुक्र की दशा में जन्म हुआ है तो ये क्यों आएगा आदमी यहां पर, क्योंकि ज्ञान उपलब्ध होते, दोनों ज्ञान के ग्रह हैं, बृहस्पति भी शुक्र भी, अंतर केवल दोनों छोटा सा ये है, एक और जहां पर बृहस्पति बने क्या कहा, पुरोधसा मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पति, पुरोधा है बृहस्पति, तो धर्म का प्रतीक है, पुरोहित है, धर्माचार्य है, और शुक्र क्या है, कवि नाम उष्णा कवि, ये जितने भी ज्योतिषी हैं, वैद्य हैं और कवि हैं, इनके बीच में शुक्र। तो जो आपका इस प्रकार का ज्ञान है उसका प्रतीक है शुक्र, और जो आध्यात्मिक ज्ञान केवल है, तो दोनों ही गुरु हैं, फील्ड का अंतर है, जितनी भी मॉडर्न साइंस है सब शुक्र से गवर्न होंगी, और जितनी भी हमारी एंशियंट नॉलेज है वो बृहस्पति वंदन। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो आदमी शुक्र दशम जन्म हो रहा है, दैट मीन्स उसके सब कुछ उपलब्ध होते हुए उसको छोड़ा, किसको छोड़ा, आध्यात्मिक ज्ञान को, उसमें कहा भी गया है कि विद्याम चा विद्याम चा यस्तद वेदो वयम सह अविद्या मृत्यु और तीर्थ विद्या अमृतम अश्नुते, जो लगा देना उसको भी बीज रो करके, इससे दोनों शुक्र बृहस्पति समझ लीजिए क्या होता है। इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि शुक्र और बृहस्पति दोनों क्या देते हैं, किसी कुंडली में देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। और जब कहीं डाउट हो तो हमेशा वेद की तरफ जाइए, कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो इसने कहा विद्याम च अविद्याम च, यानी विद्या और अविद्या दोनों को ही जानना चाहिए, अकेले यस्तद वेदो वयम सह, दोनों को जानो, एक को नहीं, अविद्या मृत्यु और तीर्थवा, तो ये जीवन जो है अप टू डेथ ये कैसे पूरा होगा, अविद्या के माध्यम से। लेकिन विद्या अमृतम, अगर विद्या मिल गई आपको है तो उसके आगे की जर्नी भी आसान हो जाएगी, आप परम तत्व को प्राप्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैत्रेय ने कहा था, आपने सबको पढ़ाया गया होगा, मेरे ख्याल से अवश्य पढ़ाया गया होगा, एन हम नामृता श्याम तेन हम किम करे, कि जिसके द्वारा मुझे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हुई उसका मैं क्या करूंगी, बेकार मेरे लिए। यानी अब तक मैंने शुक्र के माध्यम से इतना भोगना था भोग लिया आपके साथ, अब आप ही छोड़ के जा रहे हो तो मैं भी क्या करूं रह करके, और वो यागवल के साथ चली गई। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है समझाने के लिए कि ये शुक्र और बृहस्पति का संबंध कैसा है। एक स्टेज तक आपको शुक्र चाहिए, शुक्र की विद्याएं चाहिए, तो जैसे जितनी भी मॉडर्न साइंसेज है आप सब पढ़िए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर स्पिरिचुअल साइंसेज को नहीं पढ़ेंगे तो जीवन कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। तो दोनों ही पढ़ना पड़ेगा आपको, विद्या अविद्या दोनों, दोनों एक साथ साथ जानिए। और ये आयुर्वेद का कथन है, मेरा नहीं, इसलिए इसको आंख मत के मान लीजिए, कोई डाउट मन में नहीं होना चाहिए। ठहर जाओ, कुछ लोग नोट करें, देखते रहा करो, जो नोट कर रहे हैं हम नोट कर लेंगे।
और दूसरी आप गलती जिसमें आप नंबर नहीं लगाया था कि आदमी नंबर नोट कर ले आराम से, ये गलती क्यों की आपने? तो इसलिए जब शुक्र जन्म लेते हैं, शुक्र किसी नक्षत्र में, तो इसके मतलब कि पिछले जन्म में आपके अनुरक्त होते हुए भी आपने काम पूरा नहीं किया, वो काम था बृहस्पति का। अगर कर लिया होता तो नौबत नहीं आती, तो ये आ गया बृहस्पति। ठीक है, कांसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अगर बृहस्पति के ही किसी नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो ये क्यों हुआ कि सब कुछ है लेकिन आप साधन होते आपने आत्म तत्व को ही नहीं जाना। आध्यात्मिक विद्या है किस लिए? आत्म तत्व को जानने के लिए। अगर वही नहीं तो क्या हुआ? तो दैट मीन्स अब आपका अनुरक्त है सूर्य कि वहां तक पहुंच करके उधन बढ़ करके आप केवल ज्ञान में रह गए, पंडित बन गए, ज्ञान तो पूरा रट लिया लेकिन आत्मसात नहीं किया। तो जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होगा तो सब बेकार है, केवल रटते रहिए रटते रहिए। जैसे मैंने कहा हनुमान चालीसा रोज पढ़े जा रहे हैं लेकिन समझा नहीं है कि पढ़ क्यों रहे हैं। तो जब उसको समझते हैं आप एक एक लाइन को इसका अर्थ क्या है, तब आपको आनंद आता है कि क्या कहा गया इसके अंदर। तो इसलिए अगर बृहस्पति के किसी नक्षत्र में जन्म लिया है तो आपका सूर्य है अनुरक्त ग्रह। सूर्य आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठा हुआ वो दिखाएगा पिछले जन्म में आप क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर पाए और अब क्या करना चाहिए। तो बजाय सब ग्रहों देखते सबसे पहले सूर्य पे ध्यान लगाइए। अगर बृहस्पति के किसी नक्षत्र में आप जन्म हुआ है, यानी आप जन्म समय चंद्रमा आपका पुनर्वसु में, विशाखा में या पूर्वाहद पद में था, तो फौरन आप सूर्य देखिए अपना कि मेरा सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, किस भाव को प्रभावित कर रहा है और उसको कौन प्रभावित कर रहे हैं। वो ही दिखाएगा पिछले जन्म में आप क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर पाए और इस जन्म में आपको क्या करना चाहिए ताकि अब जीवन कहीं कुछ और आगे बढ़े, उन्नति हो उसकी। लेकिन अगर आपका कृतिका पूर्वा फाल्गुन उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ जन्म हुआ है तो आपका अनुग्रह क्या बनेगा? चलो भागे क्यों? तात्पर्य क्या, आप पूरा ऋणानुबंधन भोग नहीं पाए। अगर सभी ऋणानुबंधन समाप्त हो गए होते आत्मा मुक्त हो गई होती। आत्मा कब मुक्त नहीं होती? दिखाया था आपको ये जब मिक्सिंग होती है पुराने कर्म नए कर्म और कुछ अभी बचा हुआ है भोगने के लिए तो आगे जाएंगे। तो उसी तरीके से आत्मा बंधी हुई अपनी पुराने ऋण बंधन से। अगर सभी बंधन समाप्त हो गए हैं, सब कुछ भोग लिया है, अब कुछ भोगने बचा ही नहीं है, तो आप मुक्त हो जाते। तो ऋण बंधन, अब ऋण बंधन क्यों नहीं भोग पाए? आप कहीं ना कहीं मन में कुछ चंचलता रही होगी, उस मन की चंचलता ने आपको पुराने ऋणानुबंधन भोगने नहीं दिया। अगर सभी ऋणानुबंधन भोग लिए होते हंस करके, जो आना था उसको जैसा स्वीकार कर लिया होता, जैसे एक छोटी सी कहानी आती बीच में, लेकिन दस में है हमेशा मैं सुना सकता हूँ, कि कोई सज्जन थे हमारे आशीष सरीखे, वो रिसर्च कर रहे थे कि आदमी को परम तत्व की प्राप्ति कैसे होगी, अगर गृहस्थी में रह रहा है तो क्या होगा, माया कैसे प्रभाव डालेगी। तो कोई ज्ञानी थे हमारे भट्टराय जी सरीखे, उनका ऐसा काम करो कि जो पुराने संत हुए हैं उनकी जीवनी का अध्ययन करो। तो सबसे पहले उन्होंने तुकाराम के जीवन का एक पेज अध्ययन में लाए और वो स्टडी किया उन्होंने कि एक दिन तुकाराम जी, आप जानते हो कि काफी गरीब थे, भिक्षा मांग के काम चलाते थे, भजन में मस्त रहते थे। तो पत्नी ने कह दिया कि गन्ना खाना है, कहीं गन्ने लेके आओ। तो अपने किसी बड़े मित्र गुप्ता जी के पास पहुंचे, बड़ा फार्म था, चाहते थे पूरा बंटल देते, पता नहीं उनका मूड ठीक नहीं रहा होगा, केवल दो गन्ने दिए उन्होंने, दो गन्ने लेके चल पड़े बेचारे। रास्ते में कुछ बच्चे और मिले, कृष्णकांत सरीखे भाई का, बाबा कुछ दे दो, तो एक गन्ना उनको दे दिया। केवल एक गन्ना लेकर के तुकाराम जी अपने घर पहुंचे। अब आज से 300 वर्ष पुराना देश काल पात्र, 400 साल पुराना देखिए, इनका गांव के चौक में मकान था और उस समय पर माँ की महिलाएं अपने दरवाजे बैठी हुई थी, इनकी पत्नी भी दरवाजे पर ही थी। इन्होंने जैसे जाके एक गन्ना दिया उसको, पत्नी क्रोध में जल उठी, क्योंकि पत्नियां तीन प्रकार की होती हैं, ज्वालामुखी, सूरजमुखी और चंद्रमुखी भी। उनकी पत्नी पहली वाली कैटेगरी में थी, तो उन्होंने क्रोध में आकर के उस गन्ने को उनकी कमर कस के मारा, दो टुकड़े हुए। उस देश काल पात्र ने पत्नी पति को पीट दे भरे समाज में, तो करीब 10-12 सेकंड के लिए विचलित हुए, लेकिन तुरंत ही तुकाराम हंस के बोले, वाह भाग्यवान, तू तो बहुत ही समझदार है, कितने सहज भाव के दो टुकड़े कर दिए, एक तेरे लिए मेरे लिए, बहुत समझदार है तू। उसके बाद वो मंदिर पहुंचे और मूर्ति लिपट के खूब रोए, बोले प्रभु तेरा बड़ी कृपा मेरे ऊपर, ऐसी पत्नी दी, मेरा मन कहीं भटकता ही नहीं, सीधा तुम्हारे चरणों में आता है। आशीष ने डायरी में नोट कर लिया कि अगर ईश्वर को पाना है एक ही तरीका है, पत्नी ज्वालामुखी मिली उसको। पहुंचे भट्टराय जी के पास, दिखाया, उनका अरे मूर्ख इतनी दिन नहीं, मत कर भाई, थोड़ा और अध्ययन करो। अब उन्होंने दोबारा से अध्ययन करना शुरू किया, अब की बार वो करते करते
सोचा किसको देखूं, किसका अध्ययन करूं। अल्टीमेटली जीरो डाउन किया उन्होंने संत नामदेव के ऊपर। संत नामदेव की पत्नी बिल्कुल ही मधुभाषिणी थी, वाणी से शहद टपकता था, पूर्णतः चंद्रमुखी थी, और उन्होंने जैसे अध्ययन किया वो सोते रह गए। उन्होंने जगाया, अरे क्या कर रहे हैं आप, पूजन में विलंब हो रहा है, मैंने पानी गर्म कर दिया, उठिए स्नान करिए, पूजन करिए। उन्होंने पूजन किया और मूर्ति लिपट बहुत रहे, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, ऐसी पत्नी दी हमें, खींच खींच के आपके चरणों में लाती है, आगे जब किसी कृपा करना ऐसी पत्नी देना। इन्होंने फिर डायरी में लिख दिया कि ईश्वर पर एक ही तरीके ऐसी पत्नी मिले। फिर पहुंचे गाइड के पास, फिर डांटा, अरे मूर्ख इतनी जल्दी क्यों करता है, थोड़ा और अध्ययन कर। अब किया और संत ज्ञानेश्वर का अध्ययन किया। संत ज्ञानेश्वर पर कोई था ही नहीं, न कोई आगे न कोई पीछे, वो बैठे हुए थे किसी कुएं के पास में, डोर नीचे डाली लेकिन डोर छोटी पड़ गई, जल निकाल नहीं पाए। उनके आंख से दो अश्रु निकले कि प्रभु कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपका अर्चन नहीं कर पा रहा। और तुरंत कुएं के पानी ऊपर उठ गया, उन्होंने हाथ डाल के पानी निकाला, ईश्वर को स्नान कराया, पूजन किया और लिपट कर रहे, प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद है, कितनी असीम कृपा है, मेरा मन के भटकता नहीं। इन्होंने फिर लिख लिया कि आदमी विवाह न करे तभी ईश्वर मिलेगा। फिर पहुंचे गाइड के पास कि अब ठीक है, उनका अरे मूर्ख तो अभी नहीं समझा। इसके तात्पर्य केवल इतना है कि जो मनुष्य जिस परिस्थिति में जहां पर भी है उसको स्वीकार कर ले, जब तक तो स्वीकार नहीं करता है तुम्हारे ऋणाम समाप्त नहीं होंगे। तो जो जैसा ऋणाम सामने आ रहा है उसको स्वीकार कर लो, जिस दिन स्वीकार करोगे उसी दिन ऋणान बंधन कटना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ऋणान बंधन इसमें क्यों नहीं कट पाए शनि, क्योंकि आपके मन में चंचलता थी, आपने स्वीकार नहीं किया। अगर मन से स्वीकार कर लिया होता तो आपकी ऋणान बंधन समाप्त हो जाती। तो अगर आपका शनि के किसी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो इसके मतलब पिछले जन्म में आपके मन में चंचलता थी। तो चंद्रमा बनेगा आपको अनुरक्त, तो जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है उसका अध्ययन करिए, किस भाव प्रभावित कर रहा है, उस प्रकार के ऋणान बंधन को अब भोग लीजिए कम से हंस के, अन्यथा वो आगे चलते रहेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा की दशा में जन्म हुआ, जैसे हमारे श्रीमान गुप्ता जी हैं, तो उसमें क्या हुआ कि सब कुछ उपलब्ध था, समय पर बुद्धि का प्रयोग सही नहीं किया, बुद्धि का गलत प्रयोग कर दिया। सही समय पर अगर सही प्रयोग कर लिया होता तो ये स्थिति नहीं आती। तो बुद्ध बना आपका अनुरक्त ग्रह, ठीक है ना। इसके मतलब क्या हुआ, अध्यात्म की शिक्षा के क्षेत्र में आपको पुनः जुड़ना पड़ेगा, पूर्णतः जुड़ना पड़ेगा। और जब पूर्णतः जुड़ जाएंगे और कुछ कर दिखाएंगे, जैसे मैंने कहा कम से कम 3 पुस्तकें लिखनी पड़ेंगी, जिस दिन लिख लेंगे पुराने ऋण बंधन समाप्त हो जाएंगे। तो आधा काम तो हो गया, ये एजुकेशन जुड़ गए, आधा काम खत्म हो गया। आधा काम तब होगा जब ये 3 पुस्तकें लिख लेंगे, उसके पश्चात जीवन बिल्कुल सहज भाव से चलने लगेगा। अब लेकिन अगर बुध के किसी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो ये क्या दिखाता है कि विवेक था लेकिन विवेक के अनुकूल आपने पुरुषार्थ नहीं किया। अगर कर लिया होता, विवेक बता रहा कर लो, लेकिन आलस्य में रह गए आप। और कहा भी गया है न श्रुतस्य न रितेश श्रुत न रिते शांत सख्याय देवा, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, ये आशीष ना, हाँ सुखाय सख्याय देवा। तो देवता भी तब सहायता करते हैं कि जब आप परिश्रम करें, अगर परिश्रम नहीं किया तो देवता सहायता नहीं करेंगे। तो आपका विवेक था लेकिन आपने परिश्रम नहीं किया, आलस्य आ गया इसलिए फल आया। तो इसलिए आपका मंगल बना आपका अनुरक्त ग्रह। अब अगर मंगल के किसी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो क्या दिखा रहा है, सब कुछ उपलब्ध था आपके पास लेकिन मन में मोक्ष पाने की भावना ही नहीं थी। तो केतु बनेगा आपका अनुरक्त ग्रह, और यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर से दोबारा से संसार से चल पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड नाउ, इट्स क्लियर, अब तो किसी डाउट नहीं कोई, चलिए ठीक है। अब आते हैं वापस, राहु की चर्चा हो चुकी कल, अब हम आगे शुक्र की चर्चा करते हैं उसी से क्रम से। और आप याद करिएगा भगवान ने पहले श्लोक बताया था आपको, इसी क्रम में ग्रह नाम लिए हैं, कुतस्त्वा कश्मनिदम विस्मय समुपस्थम अनार्यष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, इसी प्रकार से उन्होंने क्रम बताया हुआ है, एक के बाद देखते जाइए। इधर चलेगा लेकिन तो जब अगर शुक्र आपका सीपीपीएल या अनुरक्त ग्रह है तो शुक्र क्या दिखाता है कि भोग, तो मन में भोग की इच्छा थी और इसलिए आप माया के प्रपंच में फंसते चले गए। नेक्स्ट लगा दे तो हो गया। गो बैक, गो बैक।
तो जिनका भी शुक्र है अनुरक्त ग्रह, तो पहले दिखाएंगे आपके मन में कुछ अतृप्त इच्छाएं हैं भोग को लेकर के। उस आकांक्षा के कारण आप माया के प्रपंच में लगातार फंसते चले गए। अब इस जीवन क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम तो यह है, शुक्र दिखाता है कि आपका लगातार इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं था। जैसे अर्जुन क्या था, जिसने अपनी इंद्रियों का अर्जन कर लिया, इंद्र निग्रह कर लिया, तब अर्जुन हुआ। और जिसने कहा कि इंद्रियां तो हमारे सभी प्रकार से भोग के लिए साधन बनी है, तो वो बना दुर्योधन हो गया। इसी प्रकार से प्रत्येक स्थान देखें, जिसने सभी इंद्रियों का रथ लिया वो दशरथ हुआ, और जिसने नहीं कहा वो दशानन बना, दसों इंद्रियों से भोग करूंगा मैं। पांचों ज्ञानी पांचों कर्मी भोग के लिए बनी है, वही दशानन कहलाया। तो स्टोरी वही रहती हमेशा। तो शुक्र भी यही बता रहा है कि आपको अपने इंद्रियों पे अब कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अब जब तक उसका प्रयोग नहीं करेंगे, योग साधना कुछ नहीं करेंगे, तो सबसे पहली जरूरत है जिनका भी शुक्र अनुरक्त है उनको कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके प्रॉपर तरीके से योग सीखना चाहिए। तो जब तक योग नहीं करेंगे वो बात नहीं आगे बढ़ेगी। नंबर वन। नंबर टू, शुक्र क्या चाहता है? शुक्र चाहता है आपसे साधना। तो अब आपको चाहिए किसी योग्य गुरु से ढूंढ करके किस प्रकार की साधना करूं। कि शुक्राचार्य ने दैत्यों के देवगुरु गुरु होते हुए भी, देवगुरु नहीं, दैत्य गुरु होते हुए भी लगातार प्रयत्न ही किया कि मेरे शिष्य साधना करें। और ये एक स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस है कि जितने भी बड़ी साधनाएं हुई हैं वो राक्षसों ने की, शुक्राचार्य परामर्श पर। जितनी तपस्या उन्होंने की इतनी देवताओं ने कभी नहीं करी। बस गड़बड़ी क्या थी, जैसे ही साधना सफल होती फिर भोग में वापस आते थे, जबकि शुक्र है अब आगे चलते रहो। तो शुक्र ऑलवेज पेव द वे कि आपको रास्ता मिलेगा, योग साधना का, कर्म साधना का ये अवसर मिलेंगे, इनका पूरा लाभ उठाइए, इधर चलते रहिए, वापस मत मुड़िए। लेकिन ये होता क्या, जैसे देते होता रहा है, चाहे हिरण्याक्ष हो, हिरण्याकश्यप हो, चाहे रावण हो, या जितने नाम ले लिए, बाणासुर हो, सबने खूब तपस्या की, उसके बाद में क्या, वो यू टर्न ले लिया। तो शुक्राचार्य की दी हुई जो विद्या थी वो बेकार हो गई चारों के लिए। तो शुक्र जब भी अनुग्रह ग्रह बनेगा वो कहेगा कि आपको भोग के साधन मिलेंगे, लेकिन साई विषय उसको निष्प्रिय भाव से भोग करिए, इन्वॉल्व मत होइए। तो शुक्र का अनुरक्त होना अच्छा भी है और बुरा भी, दोनों बातें। बुरा इसलिए है कि दिखा रहा है कि मन में बड़ी अतृप्त कामनाएं हैं आपके, और वो अतृप्ति आपको लगातार खींच रही है। अच्छी बात यह है कि आपको इस जीवन में साधना की पथ पर चलने का पूरा अवसर मिलेगा। आप कैसे बैलेंस बनाए दोनों के बीच में, ये आप पे डिपेंड करता है, दैट इज टोटली ऑन यू। तो इसलिए मैं इसको अच्छा बुरा दोनों कहता हूँ। इसमें बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अभी मैं ब्रीफ बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी गुप्ता ही मौका दिया तो फिर इन्हीं को दोबारा एक एक अनुरोध के लिए बताऊंगा कि अगर इस भाव में था क्या होगा। कि असली कहानी तो आएगी कि शुक्र अगर लग्न में है तो क्या फल देगा, एज अनुरोध सेकेंड हाउस में क्या देगा, या बुध को ले लीजिए कि बुध सप्तम बैठा क्या दिखा रहा है, जिससे भी हमने नमूना दिखाया आपको, लग्न बैठा हो तो क्या दिखाएगा, पंचम है क्या दिखाएगा, नवम है क्या फल आएगा। इसी प्रकार से 12 भाव में अलग अलग बैठे होने पे फल अलग अलग होंगे। ये अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, एक बार बेसिक दिमाग बैठ जाएगा फिर एक एक ग्रह की चर्चा हो सकेगी कि इस भाव में बैठे होने पे क्या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे मान लीजिए आपका बुध अनुरक्त ग्रह है लेकिन राहु के एक्सिस पर आ गया है, फल में कितना परिवर्तन आएगा। या बुध आपका अनुरक्त ग्रह है, लग्ने से जुड़ा हुआ है, तब क्या फल देगा। लग्ने से राष्ट्र या टूटल बना रहा तब क्या फल देगा, एकदम फल बदल जाएगा। तो इस प्रकार से फलों में फर्दर वेरिएशन आएंगे, लेकिन अभी ये जो है मूल तत्व है केवल उसकी चर्चा हो रही है। आगे चलो तो फिर देखेंगे कहाँ पे। अब अगर बृहस्पति आपका सीपीपीएल है तो दैट मीन पिछले जन्म में आपने इस ज्ञान कारक बृहस्पति के साथ आपने काफी काम किया और मोक्ष के करीब पहुंच भी रहे थे, बट फॉर सर्टेन थिंग्स आपको दोबारा जन्म लेना पड़ा। तो इससे ये बड़ा ही स्पष्ट हो गया कि आपको इस जन्म में पिछले जन्म की साधना काम आने वाली है। आपको केवल जानना, जैसे मैं थोड़ी पहले कहा था कि कोई ना कोई आपका ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आपको सब सिखाना चाहता है, आप भी कुछ सीखना है, पूरा प्लेटफॉर्म रेडी आपके लिए है, कुछ समस्या नहीं आपके लिए है, बहुत ही सौभाग्यशाली आदमी है। लेकिन जो चीज उपलब्ध है उसका लाभ उठाइए। होता क्या, लोग ही गड़बड़ा जाते हैं, चीज सामने रखी उसका लाभ नहीं उठाते हैं। सब कुछ है लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे उस पर। अब एक चीज और नोट कर लिए, अगर बृहस्पति आपका ये अनुरक्त ग्रह है तो जीवन में 16 से 36 वर्ष के बीच में कोई बहुत बड़ी घटना घटित होगी जीवन में जो आपकी पॉजिटिविटी ले जाएगी,
आपको उस घटना के वो लाभ उठाना है, वो बिल्कुल तैयार सब कुछ देने के लिए, केवल आपको उस ध्यान देना है और मौके का लाभ उठाना है। अगर चूक जाएंगे चूक जाएंगे, अन्यथा अब तक मैंने देखा है जिनका भी बृहस्पति मिला है अंडोग्रह, उनको मौका मिला है 16-36 वर्ष के बीच में और अधिकांश लाभ उठाए भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे ऐसे चूक जाते हैं। ज्योतिष केवल इंडिकेटिव साइंस है, बता सकती है ऐसा होगा, सतर्क रहिए। आप जैसे होता है सुकाशी ने कहा है, ड्राइव स्लो टर्न हेड, अब आप फिर भी गाड़ी तेज चलाएं तो उसमें क्या हो सकता है। तो ज्योतिष केवल एक कॉशन करती है कि इसमें ऐसा होने की संभावना है, बी केयरफुल। अब इसमें एक कॉशन क्या आ रहा है, अगर जुपिटर सीपी वेल जिसने कल चर्चा की थी, अगर 10th हाउस में है या मकर राशि में है तो ऐसे आदमी में अहंकार काफी होता है, क्योंकि पिछले जन्म की साधना काम आती है, उसको ज्ञान सामने फलीभूत हो रहा है और उसको गर्व हो जाता है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, और अहंकार ही समस्या का जड़ होता है। तो ये कौशन जिनका भी बृहस्पति अनुरोध ग्रह है और मकर राशि में है या 10th हाउस में है, उनको विनम्र होने का प्रयास करना चाहिए। केवल एक छोटा सूत्र है, जीवन बड़ा ही स्मूथ हो जाएगा अगर वो विनम्र हो जाए। नेक्स्ट, अब आ गया हमारा सूर्य जिसकी चर्चा हो रही थी। सर आपने रामायण पूरी खत्म होने से पूछा कि राम कौन थे, ये कल से सीपीपीएल यानी कि सेंट्रल प्लेनेट ऑफ प्रीवियस लाइफ, यानी वो ग्रह जो आपके इमीडिएट पास्ट लाइफ से जोड़ रहा है, जो पिछला जन्म था उससे जोड़ने वाला जो ग्रह है उसको रखते हैं अनुरक्त ग्रह या सीपीपीएल। अंग्रेजी में नाम रखा सीपीपीएल, हिंदी में कहते हैं अनुरक्त ग्रह। जिस विषय में आपकी विशेष अनुरक्ति थी लेकिन पूरी नहीं हो पाई, वो इस जन्म में सर प्रारब्ध तो ऑलरेडी है ही है, प्रारब्ध अलग है, प्रारब्ध में तो खाली जो ऊपर मिल रहा है एक वन वे ट्रैफिक है, अनुरक्त ग्रह में दिखाएगा उसका फल कैसा मिलेगा, पॉजिटिव रेट दोनों आएंगे। मैं उत्तर देने का दुस्साहस करूं? आपने पाणिनी कहानी सुनी होगी, पाणिनी से गुरुजी ने क्या कहा, न तेरे हाथ में विद्या की रेखा है न तेरी कुंडली में विद्या का योग है, और उन्होंने साधना करनी प्रारंभ करी और फिर क्या हुआ, उससे बड़ा आज तक कोई व्याकरण का आचार्य नहीं हुआ। मार्कंडेय ऋषि सबने कह दिया इसकी आयु है ही नहीं, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, मार्कंडेय ऋषि आज जो है अमृत के प्रतीक बन गए हैं, मार्कंडेय अष्टमम जोड़ा जाता नाम उसके साथ में सब। तो इसी प्रकार से ये कहीं नहीं कहा गया ज्योतिष में कि जो है बिल्कुल आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए कृष्ण ने कहा ना कर्मण एव अधिकार हाते, ये आपका अधिकार है इसका प्रयोग करिए, अब नक प्रयोग करें आपकी इच्छा है, लेकिन भगवान क्लियर कट कर रहे हैं आपको कर्म करने का अधिकार दिया है, करेंगे तो होगा, फल मिलेगा, ये जरूर है कि फल कब मिलेगा, महाफलेश कदाचित, फल अनसर्टेन है, और ये प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी आज साइंस भी मानती है कि सब कुछ होने के बाद में एक चीज आती है अनसर्टेनिटी, जिसको हम लोग डिकोड नहीं कर सकते, मतलब साइंस सब कुछ कर लिया लेकिन एक हिस्से पहुंच के साइंस बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती है। मैंने चूंकि मेरा सब्जेक्ट रहा फिजिक्स, और उसमें बड़ी मजे वाली चीज़ देखी, आपने एटम तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन तोड़ दिया, सब तोड़ते चले गए और एक स्टेज आई क्योंकि इसके आगे हम कुछ नहीं जान सकते। आज भी लाइट को आप देखेंगे पार्टिकल है, वेव बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप सोचते हैं कि ये पार्टिकल है और स्टडी करना शुरू किया तो लाइट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक वेव, और जब आप वेव समझ के इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं वो पार्टिकल बन जाती है। तो ये अनसर्टेनिटी सिर्फ ये दिखाती है ईश्वर की सत्ता कहीं है, अगर ये अनिश्चितता भी समाप्त हो जाए तो मनुष्य भगवान बन जाएगा उसी दिन। तो ये अनिश्चितता है और रहनी चाहिए, लेकिन ये अनिश्चितता कहीं नहीं कहती है कि कर्म करने का अधिकार आप पर नहीं है। तो भगवान दोनों बातें कही कि आपको कर्म करने का पूरा अधिकार है, और साइड बाई साइड फल कब दूंगा कैसे दूंगा ये मैं अपने आप रखूंगा, ये आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मिलेगा अवश्य फल। और तीसरी बड़ी सुंदर इससे कही गई है, आपने देखेंगे न कर्तृत्व न कर्माणी लोकस सजत, भगवान ने संसार बना दिया लेकिन आपके कर्तापन को ये नहीं कहा कैसे करेंगे आप, न कर्मों के कहा न कर्म फल संयोगम, आपके कर्म फल कैसा क्या स्वभाव वस्तु परिवर्तित है, ये आपका नेचर हो ये बड़ी इंजीनियर दोनों मिलकर डिसाइड करें, दे आर वर्किंग इन टेंडम। तो जब हम अपना इनपुट डालेंगे और नेचर अपना इनपुट डालेंगे तब फल सामने आएगा, लेकिन अगर हमने अपना इनपुट डाला ही नहीं तो फल कहाँ से आएगा, फिर दोनों साथ साथ चलेंगे। न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु परिवर्तित है, आप ज्ञानी आपने अवश्य पढ़ाओगे आई एम श्योर। तो इसलिए
कर्म करने का अधिकार है, इसका पूरा प्रयोग करें। हाँ, इस ग्रह इसका नाम बदलना चाहे, अनर्थ को दूसरा नाम दे, उसका नाम देते, उसमें भी एतराज नहीं, नाम तो दूसरे रख सकते हैं। एक पिता अपने पुत्र को कभी के बेटा कहता है, कि कमल कहता है, कि रत्नाकर कहता है, कुछ बड़े से नाम होते हैं, नाम बदलते रहते, नाम भी कुछ नहीं रखा। लेकिन जो ग्रह है, जो पिछले जन्म जोड़ रहा है, वो अपनी जगह रहेगा। वो केवल ये बताएगा कि पिछले जन्म में आपने इतना काम किया, इतनी अनुरक्त थी, और इस जन्म में ये संभावनाएं हैं, उन सब भावनाओं का कितना प्रयोग करते हैं, ये पूर्णतः आपके हाथ पर है। हाँ, ये जरूर मैं फिर कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, उन संभावनाओं के होते हुए कितना कर्म किया और कितना फल मिलेगा, ये आपके हाथ में नहीं है, न रहेगा। तो कर्म करने की स्वच्छंदता आपके पास में है, फल देने की स्वच्छंदता उसके पास में, आपको कुछ नहीं आपने बताया टाइम कब है, ये और हिंट करा, एक और बोला लगा दीजिए आपकी बात से प्रभावित होकर के। एक रियल इंसिडेंट है किसी पुलिस अफसर का, जो आपने प्रश्न किया है, उसके जीवन ऐसी घटनाएं हुई थी और कैसे फल निकला, लेकिन वो करूंगा 5-6 बजे, समय ज्यादा हो जाएगा, अगर मौका मिला कल आपके प्रश्न को तो कल दूंगा मैं। इंटरेस्टिंग है, और उसमें जीवन में कुछ जो आते हैं कही है, एक बड़े पुलिस अधिकारी थे, उनको कैसे गुजरना पड़ा और फिर क्या हुआ और किस प्रकार से गाड़ी पटरी पे आई इसी अनुग्रह के माध्यम से। और उनका जो शुक्र था, अनुग्रह था, और उसके कारण घटनाएं ऐसी हुई, बड़ी विचित्र घटनाएं, लेकिन अब आज के समय नहीं, इसको आज छोड़ देता हूँ, लेकिन कल अगर आप याद दिलाएंगे तो अवश्य चर्चा करके, कल तो नहीं तो सोमवार को, नहीं सोमवार शायद मुश्किल पड़ेगा, लेकिन देखते फ्री अगर मौका लगा कहानी सुनाऊंगा, उससे शायद आपके प्रश्न उत्तर और स्पष्ट हो जाए। लेकिन अभी इतना क्लियर है कि कर्म करने की स्वतंत्रता आपके पास में है, वो स्वच्छंदता आपसे कोई लेने वाला नहीं है, और फल की स्वच्छंदता कभी नहीं मिलेगी। ये कभी नहीं हो सकता कि हमने आज कर्म किया आज ही फल मिल जाए। आप अभी ककड़ी पेड़ लगा रहे हैं, तरबूज का लगा रहे हैं, वो 6 महीने फल दे देगा। आम लगाया है तो 3 वर्ष लगे उसको बड़ा होने में, फिर फल भी लंबा देगा। तो उसी प्रकार से आपने कौन सा कर्म किया ये आपके हाथ में है, लेकिन किस प्रकार कर्म किया है और कब तक फल देगा ये उसके बड़े सारे फैक्टर्स आते हैं सामने। तो चलिए इसको पूरा कर लें, चलिए नेक्स्ट लगा दिए यार, हम भटक गए, सॉरी। इन्होंने ही सक्सीडेड इन द प्लानिंग। चलिए, जैसे मैंने कहा कि सूर्य जब आपका से पीपल होता है या अनर्थ ग्रह होता है, ये दिखाता है कि पिछले जन्म में आपको पहले ज्ञान मिल चुका था, आपने किसी हद तक अपने सभी ऋण बंधन के खत्म कर बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, बहुत सिंसियरली आगे चल रहे थे, लेकिन किसी कारण से अल्टीमेट गोल तक नहीं पहुंच पाए, टाइम कम रह गया, साधन कम पड़ गए, या जो भी कहा जाए। तो इसलिए सूर्य जिनका भी अनुरक्त ग्रह है वो काफी सौभाग्यशाली है, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि पिछले कई जन्मों से आप इस पथ पर चल रहे थे, यानी आप अपने सांसारिक दायित्वों का भी पालन कर रहे थे और साइड बाय साइड आध्यात्मिक जगत में भी काफी उन्नति कर रहे थे, दोनों काम एक साथ चल रहे थे। लेकिन किसी कारण से समय का अभाव रह गया, साधनों का अभाव रह गया, यात्रा पूरी नहीं पाई। तो अब आप काफी अच्छी स्टेज खड़े हुए आज औरों के मुकाबले, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो दोनों ही काम पूरे करते हुए ऋण बंधन पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेट एम यह है न पाप रहे न पुण्य रहे, दोनों समाप्त हो जाए, नेट बैलेंस 0 हो जाए। जब शून्य हो जाएगा तब आप महाशून्य की यात्रा कर सकेंगे। जो तोतापुरी जी ने कहा था रामकृष्ण परमहंस से, बेटा तूने शून्य देख लिया है, अब महाशून्य की यात्रा कर। और जो यात्रा उन्होंने कराई थी शून्य से महाशून्य की, वो भी अद्भुत है, मेरे ख्याल से शायद सुनी होगी आप लोग, बनारस में बंगाली बहुत है, आप सुनी होगी, सुनी है आपने, नहीं सुनी वीडियो परमिशन। ऐसा हुआ कि जब तो ये रामकृष्ण परमहंस जब काली से साक्षात बात करने लगे, जब चाहा मंदिर पहुंचे, काली का आवाज लगाई, माँ प्रकट हो गई, उसे बात कर ली, जो पूछना पूछ लिया। और यही कारण था कि रामकृष्ण परमहंस बहुत अधिक पढ़े हुए नहीं थे, ऑलमोस्ट अनपढ़ से थे, लेकिन विवेकानंद जो अंग्रेजी हिंदी संस्कृत बांग्ला इतनी भाषाएं जानते थे और LLB भी किए हुए थे, उनको पढ़ा सकते थे, किसे कि उनको डायरेक्ट नॉलेज मिल रही थी। तो एक बार मन में उनके विचार आया, व्हाट नेक्स्ट, अब ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, क्या रहेगा करने के लिए। इस स्थिति में एक दिन उनके दरवाजे पे एक साधु आया जिसको उन्होंने बंगला में लिखा नंगूटा, यानी दैट मींस ऑलमोस्ट नेकेड, बस बेयरली कुछ लपेटा हुआ था। जैसे दरवाजे पे आया, बड़े ही भद्र व्यक्ति थे, बुलाया, जलपान कराया और उससे श्रद्धावश कहा,
और कोई सेवा, शिष्टाचार था खाली। ये कह सोचते कहा होगा कि कहते ठीक है चला, लेकिन वो महाराज बोले ना ना तू मुझे अपना गुरु बना। वो चौंक गए कि आदमी इनको पागल से दिख रहा है, इसको गुरु क्यों बनाऊं, और अगर मैं गुरु बना भी लिया इसको तो क्या करे, कोई मंत्र देगा मैं इसको सिद्ध करूंगा, फिर क्या होगा, फिर ईश्वर दर्शन होंगे, वो मुझे ऐसे ही हो रहे हैं। तो बीच में एक दलाल कंपोनेंट क्यों डालू, आवश्यकता क्या है मुझे, आपके प्रश्न उत्तर भी आ रहा है कि आवश्यकता क्यों कहूं, अगर ऐसा जो हो ही रहा सब कुछ हो गया है, अब क्या रह गया मुझे। जिस व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन हो रहे हो, ईश्वर से वार्ता कर सकता हो, उसको क्या अवस्था बीच में एक आदमी और डालने की, व्हाट फॉर। जिसको स्टडी कनेक्शन मिला हुआ है वो ठनकाल क्यों बुक करे, कोई जरूरत नहीं इसको। लेकिन बहुत ही सभ्य व्यक्ति थे, कुछ बोल नहीं पाए। तो तोतापुरी महाराज ने कहा मैं 24 घंटे तेरे दरवाजे पर रहूंगा, अगर तेरी इच्छा हो मुझे गुरु बना लेना वरना मैं चला जाऊंगा। अच्छा मुझे भोजन करा। उस समय पे उस देश काल पात्र में एक बार आपके भोजन हो चुका हो, दोबारा भोजन कराना बड़ा कष्टकारी काम था। आप तो यंग लोग समझ नहीं सकते, लकड़ी भोजन बनता था और पूरा रसोई साफ की जाती थी, पूरे बर्तन धोए जाते थे और बड़ा कष्टकारी काम था। माँ शारदा देवी ने मकश करके 2-2.5 घंटे में फिर भोजन बनाया उनके लिए, भोजन कराया गया उनको, भोजन किया बोले मैं नींद आ रही, लेट गए और तुरंत खराटे आने लगे। उनका सोना था कि रामकृष्ण परमहंस दौड़ के मंदिर गए और काली को आवाज लगाई कि माँ बड़ा कष्ट आ गया है, कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई असभ्यता न हो मुझसे और ये व्यक्ति मेरे घर से विदा हो जाए। अब बताओ माँ ये कह रहा है मुझे गुरु बनाओ, अगर मैंने इसको गुरु बना लिया तो मुझे मंत्र देगा, मैं इसको सिद्ध करूंगा, फिर तेरे दर्शन हो जाएंगे, वो भी ऐसे ही हो रहे हैं तो मैं इसको क्यों डालू बीच में। लेकिन उनको बड़ा झटका लगा जब काली का बेटा उसको गुरु बना ले। उन्होंने कहा लेकिन माँ क्यों, काली ने कहा बेटा ये तो तुझे तभी पता लगे इसको गुरु बना लेगा। बड़े दुखी हुए, मतलब ऐसे कोई आपके 300-400 अपनी प्रॉपर्टी हो, पूरे पेपर आपके हाथ में हो, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप जानने वाला हो, वो कहीं बैठे कर उसको खाली करो। बड़ा झटका लगा उनको, बड़े दुखी मन से लौट के आए और झांके देखा ये सो रहे हैं जाग रहे हैं, देखा जैसे झांका उठ के बैठ गए। बोले फिर क्या कहा काली ने, तूने कहा नहीं बिल्कुल पागल है अनपढ़ है, इसको गुरु क्यों बनाऊं, ये दलाल बीच में क्यों डालूं। पहली बार रामकृष्ण बोध हुआ कि आदमी साधारण नहीं है, कोई असाधारण व्यक्ति है, अन्यथा मंदिर में मेरी और काली के बीच जो वार्ता हुई है इसको यहां बैठे पता सो रहा था ये। और एक क्षण उत्तर दिया कि मैं आप गुरु बनाने तैयार। उसी क्षण उन्होंने ठीक है, अगले दिन उन्होंने बड़ी प्रक्रिया होती है इनको संन्यास कर दिया। इसी देखेंगे रामकृष्ण ज्यादातर सफेद वस्त्रों में है, उसी में आपको गेरुआ दिखे वो लास्ट वाले कुछ वर्षों में है जब उन्होंने संन्यास धारण किया, उसके बाद विधिवत सन्यासी जन्म से थे वो लेकिन विधिवत नहीं थे, ये विधिवत सन्यासी इन्होंने तोतापुरी में बनाया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, रामकृष्ण परमहंस शायद 1897-98 शरीर छोड़ दिया था, तोतापुरी 1962 जीवित रहे और पुरी में रहते रहे 1962, यानी बहुत नजदीक की बात है। और आज भी इनकी समाधि में जाने पर बड़ा अद्भुत अनुभव होता है, जो कोई इनकी समाधि जाके 2 घंटा बैठ लिया वहां पर क्या अनुभव होता है उसको वहां पर, इवन टुडे इतने चमत्कारी व्यक्ति है तोतापुरी। खैर आपके प्रश्न में आता हूँ कि जब उन्होंने अगले संन्यास दे दिया फिर एक मंत्र दिया, और अक्सर कहा जाता है लोगों को उस मंत्र कम से कम 6 वर्ष लगते साधने में, तो तब वो रामकृष्ण को मुश्किल से 6-7 मिनट या सेकंड से लगे होंगे। जैसे ही मंत्र सिद्ध हुआ तो बस अब तू वो करेगा जो मैं कहूंगा। ठीक है अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, यहां से पूरा रहस्य ज्योतिष का भी है और धर्म का भी, दोनों रहस्य एक से अंदर आ जाते हैं। अब तू ध्यान में बैठ जा और शून्य से महाशून्य की यात्रा कर, तू शून्य को जानता है, महाशून्य प्रवेश नहीं किया है। और ध्यान रखना रास्ते में जो चीज आए उसको काट देना, निसंकोच काट देना। रामकृष्ण बैठ गए, बैठना थोड़ी देर सामने कार्तिक काली की मूर्ति आ गई है और झूमने लगे, तो फिर रहा है क्या कर रहा तू, मैंने क्या कहा था, सामने जो आए उसको काट देना। वो सीमन फिर किसी मोबाइल के धोखा दे रहा है, काइंडली कंट्रोल इट, काइंडली प्रार्थना ही कर सकता हूं आपसे। उन्होंने कहा महाराज मैं अपनी गर्दन काट सकता हूं लेकिन जो चीज ध्यान में आ रही है उसको नहीं काट सकता। तोता फिर उत्तर दिया बेटा अगर तू उसको नहीं काटेगा तो 2 पाप करेगा, पहला पाप अपने गुरु की आज्ञा का अवहेलना करेगा और दूसरा मैं गुरु कैसे बनाऊं, तूने तो नहीं बनाया काली कहने बना है ना, तो काली की आज्ञा की अवहेलना होगी, क्या तू 2 पाप करने को तैयार है, सोच ले।
कहा ठीक है गुरु जी, प्रयास करता हूँ। अगली बार फिर बैठे, उनसे कुछ नहीं हुआ। फिर वो हिलाया, भाई क्या कर रहा है तू? तो उन्होंने बड़ी ही चतुराई से उत्तर दिया, गुरु जी काट तो दो, हाथ में तलवार कहाँ है? तो तोता भी उत्तर देते हैं, बेटा तलवार भी वहीं से ला जहाँ से काली की मूर्ति ला रहा है। काली की मूर्ति तेरे ध्यान में क्या मैं रख रहा हूँ? और राम को पहली बार अनुभव हुआ कि मेरे रोम रोम में काली बसी हुई है। इतना अचेतन में ध्यान बसा हुआ है कि जो चीज़ सोचता हूँ काली सामने आ जाती है। अगली बार जब बैठे ध्यान में, मूर्ति आ गई, तलवार आ गई, और सिर्फ संकल्प किया कि अब मैं काट दूंगा, और उसी क्षण मूर्ति गायब हो गई, तलवार गायब हो गई, और रामकृष्ण परमहंस शून्य से महाशून्य की यात्रा में महासमाधि को प्राप्त हो गए। 6 दिन उसी अवस्था में पड़े रहे। 7वें दिन तोते ने कहा अब उठ जा। उठने के बाद जो पहला सेंटेंस कहा बांग्ला में, जिसको बाद में विवेकानंद ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, कि नाउ द लास्ट बॉन्ड हैज फॉलन एंड आई नो द डिफरेंस। बहुत दिनों बाद विवेकानंद ने कहा कि भगवान आपने कह तो दिया द लास्ट बॉन्ड हैज फॉलन एंड आई नो द डिफरेंस, हमें कैसे पता लगेगा कि अंतर क्या था? कि पहले भी अब काली देख रहे थे, बात कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बताऊंगा, पहले एक काम कर, ईशो प्रश्न उठा के लिया और मुझे पढ़ के सुना। उन्होंने पढ़ा, पहले मंत्र में रोक दिया कि रुक जा भाई, आप समझा ईशावास जगत हम जगत लोग, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, वही पली लाइन रुक गए। तेन तक तेन तो शुक्र पे लागू होगा, जो शुक्र CPPL पे यानी लागू होगा। अंतर समझा कि बेटा पहले मुझे काली से बात करने एक मंदिर चाहिए होता था, एक मूर्ति चाहिए होती थी, जाता था मंदिर में मूर्ति तमा आती थी, अब तो जहां चाहूं जिस कण में चाहूं वहां काली मेरे सामने साथ साथ चल रही है, ये अंतर आ गया है। तो इस प्रकार से जब सूर्य आपका अनुगत ग्रह होता है तो आपने ऑलरेडी वहां पहुंचे होते हैं। आज इस जीवन में आपके दाएं बाएं हर तरफ उचित तत्व उपलब्ध है, केवल जान नहीं रहे। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन आप वाकई में सूर्य से महाशून्य की यात्रा प्रारंभ कर चुकेंगे। अगला लगाओ भाई। शनि महाराज आगे हमारे दंडाधिकारी। शनि दिखाते हैं अपरिहार्य भोग, जो आपने भोग नहीं थे आप भोग नहीं पाए, यानी पिछले जन्म में इन भोगों को आप अवॉइड करते रहे, शॉर्टकट ढूंढते रहे लाइफ में। अगर शॉर्टकट ढूंढना बंद कर दें तो आपका सब काम आसानी हो जाए, लेकिन पिछले जन्म में आप लगातार शॉर्टकट ढूंढते रहे और जो चीज सामने आती है अवॉइड करते रहे। तो अब क्या चाहिए जन्म में आपको? कि जो चीज आए सहज भाव से स्वीकार करना शुरू कर दें। अगर कष्ट आ रहा है थोड़े से भोग ले एक बार, और यहीं पर से वो कहानी बहुत बढ़िया बन जाती है कि उनका शनि बहुत स्ट्रांग था, जिनकी जिक्र कर रहे हैं। कल सुनाऊं कहानी पुलिस अधिकारी की कि कैसे कैसे जीवन क्या घटित हुआ, और जैसे उन्हें स्वीकार कर लिया वो सभी चीज समाप्त हो गई। ऐसी अद्भुत घटना हुई कि कल तक जो चीज लग रहा कि बिल्कुल असंभव हो रहा है वो एक बार स्वीकार करते सब कुछ संभव हो गया। तो जब शनि आपको अनुग्रह बनता है वो केवल ये बता रहा है कुछ अभुक्त भोग ऐसे थे जिनको आप अवॉइड कर रहे थे, भाग रहे थे उससे, एक बार सच्चे में स्वीकार कर लीजिए, जीवन सहज हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी दिखाओगे यार, नहीं हटा दो, हो गया इसको शार्ट, फिर कभी आगे दिखा देंगे। अब चंद्रमा आ गया, अगला ला दो, इसको हटा दो, नेक्स्ट 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 पे ले आओ। आगे अगला भी कुछ है, नेक्स्ट पे। जब चंद्रमा अगर आपको आ जाए तो सिर्फ इतना ध्यान रखें, सुख दुख के समय तत्व ये तो आना ही आना जीवन में है, अगर इसको एक बार जो है उसके साथ चलना शुरू कर देंगे तो चंद्रमा का जो मन में चंचलता आ रही है रह करके आप केंद्रित नहीं पा रहे हैं वो प्रारंभ हो जाएगा। फिर आप जो समझ रहे हैं कि कर्म नहीं करने वाला था वो कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होंगे। अब इससे अगला जो हमारे गुप्ता जी का सीपीएल उस पर आते हैं बुद्ध के ऊपर, और ये मेरा फेवरेट है बोलने के लिए, मुझे बहुत ही प्रिय है। हैं कोई बात नहीं, सुन तो लीजिए पहले, इसको इतना देख लीजिए पहली बात देखिए, नहीं वापस अंग्रेजी ले जाओ, बैक बैक यहीं रुक जाइए। जब सीपीपीएल जो बुद्ध होता है आपका, ये
एक इस बात का इंडिकेशन है कि आपको इंटेलेक्चुअल फील्ड में काम करना ही पड़ेगा। जब तक आप इंटेलेक्चुअल फील्ड में नहीं उतरेंगे ये भोग पूरा नहीं होगा, आपको रह रह करके गुजरना पड़ेगा। तो इंटेलेक्चुअल फील्ड में काम करना एक अनिवार्य तौर जारी है आपके लिए। कहीं भी किसी क्षेत्र में हो, किसी देश काल पात्र में जन्म लिया हो, जिसका भी बुद्ध अनुरक्त है, जब तक वो शिक्षा के क्षेत्र में कूदता नहीं है, शिक्षा से रिलेटेड फील्ड में, तब तक उसके भोग पूरे होते ही नहीं है, वो लगातार ही भटकता रहता है। और जैसे ही किसी शिक्षा के क्षेत्र कूद पड़ता है जीवन बदल जाता है, और चाहे न चाहे उसको शिक्षा के क्षेत्र में आना ही पड़ता है। मतलब ऐसे ऐसे लोग देखे, खुद बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उन्होंने स्कूल बना खड़ा कर दिए, मान लीजिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दे दी, खुद पढ़ाने नहीं आया लेकिन आज हम लोग यहाँ खड़े बात कर रहे हैं इनके ही कृपा से। तो ये जब बुद्ध सीपी पर उनके आता है तो आपको शिक्षा से और इससे रिलेटेड फील्ड से जोड़ देता है। जीवन में पूर्णता आती ही तब है जब आप उससे जुड़ जाते हैं, सच्चे मन से जुड़ते हैं, और जब इसकी क्रिएटिव और बढ़ाते हैं, यानी जो कुछ आपने अब तक पाया है उसको लिपिबद्ध करते हैं कि बुद्ध चाहते हैं उसको लिपिबद्ध किया जाए। इसीलिए मैंने गुप्ता जी कहा कम से कम 3 किताबें लिखनी पड़ेंगी, और जब तक लिपिबद्ध नहीं करते उस काम को जीवन अधूरा रहता है। आप किसी फील्ड में हो, अगर मान लीजिए शिक्षा क्षेत्र नहीं पहुंचे, तो मैंने एक सज्जन जानता हूं, वो IIT दिल्ली से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियर बने रहे बड़े टाइम तक, लेकिन उसको चैन नहीं आया। आज की तारीख में बड़े प्रख्यात एडिटर हैं वो, जब शिक्षा क्षेत्र कूद गए, क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन मेन काम का संपादन, अब जीवन में पूर्णता आ गई, प्रसन्नता आ गई, जीवन स्थिर हो गया। तो जीवन के बहुत वर्ष इंजीनियरिंग खराब करने के बाद उनको यदि रियलाइज हुआ, धीरे से मैंने बोध करा है, भाई आपका बुद्ध सीपी पे कहाँ भटक रहे हो, भटकते रहोगे। और जैसे ही स्विचओवर हुआ, संपादन में आए, शिक्षा के क्षेत्र में आए, पढ़ाने लगे, पूरी जीवन बदल गया उनका। आप तो फुल टाइम संपादन करते हुए, और विधि विडंबना देखे, एज इंजीनियर जो उनकी आमदनी थी उससे ज्यादा एज एडिटर हो रही उनकी। असंभव सी चीज लगती देखने में कि इंजीनियर्स, IIT के इंजीनियर बड़ा नाम होता है, विदेशों में नाम था इनका, बड़ी एमएनसी काम कर रहे थे, लेकिन आज एक एक किताब पे इतना पैसा इनके पास आ रहा है कि इस कल्पना नहीं कर सकते आप। तो जब बुद्ध आता है इस तरीके से, जब भी आपकी लेखनी और प्रबल होती जाती है, धीरे धीरे जीवन सफल होने लगता है। तो जिन जिन का भी बुद्ध अनुरक्त रहे, तो केवल ये दिखा रहा है पिछले जन्म में आपकी अनुरक्त इसमें थी, आप काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी लालसा, थोड़ी सी मन की चंचलता उसे भटक गए। अब उसमें जब आ जाएंगे तो जीवन पूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया, हटा दो। मंगल, मंगल केवल इस बात को बताता है कि आपको कर्मयोगी बनने का समय आ चुका है, सब कुछ आपको उपलब्ध है। नहीं, ये बुध वाली स्टेज से आप गुजर चुके हैं ऑलरेडी, विवेक काम कर चुका है आपका, पिछले सब कुछ पहुंच चुके थे, लेकिन आप कर्म भोगी रहे, कर्म योगी नहीं बने। तो कर्म भोगी से कर्म योगी की यात्रा प्रारंभ करनी है आपने, किसी क्षेत्र में हो। इसमें क्षेत्र की कोई भी बंधन नहीं है, किसी प्रकार का भी, किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस दिन आप कर्म भोगी से कर्मयोगी बन जाएंगे उसी जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी संभावना दिखा रहा है मंगल, कि आपके सब कुछ प्लेटफॉर्म रेडी है, केवल एक ही काम है कि आप कर्मयोगी बन जाएं। और गीता में कई प्रकार के योग बताए गए हैं, बुद्ध योग भी है, कर्म योग भी है, निष्काम कर्म योग भी है, लेकिन इसके लिए एक ही डायरेक्शन है, ही शुड बी कर्मयोगी। सन्यासी बनने की कोई डायरेक्शन नहीं है, केवल कर्मयोगी बनी डायरेक्शन है। कई बार ऐसा होता है कि मंगल भटक जाते हैं, सोचते हैं कर्मयोगी बनने से हम सन्यासी बन जाएंगे, लेकिन वहां फिर भटक जाते हैं, क्यों, ये समय आ गया है कि आप कर्मयोगी बन करके अब जीवन की बाकी बचे ऋणानुबंध समाप्त करें और आगे यात्रा बहुत सहज हो जाएगी, क्यों, आप तो ऑलरेडी सब इससे गुजरे हुए हैं, इनसे गुजर कर आप यहां तक पहुंचे हैं, अब इसका लाभ उठाएं। लास्ट केतु, एक मिनट थोड़ा दिखा, कुछ खास हो दिखा, गो बैक एक मिनट। इसको जो चाहे तो नोट कर ले, मैं इसको भी एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं हूं, आप जो नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, खींच लिया तो ठीक, पढ़ते रहिए, ध्यान से बाद में पढ़ लीजिएगा। कुछ होमवर्क होना चाहिए, इसको होमवर्क पढ़ लीजिए, क्योंकि 6 बज रहा है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो काफी समय लग जाएगा। अब केतु पे आ जाइए,
तो केतु क्या दिखा रहा है, आप पथ भ्रष्ट योगी हैं। तो योगी तो हो चुके हैं, पिछले से आगे स्टेज में आ चुके हैं, लेकिन पथ भ्रष्ट हो गए। काफी लंबी यात्रा आज कर्मयोगी कर लिया आपने, लेकिन उसके बाद में आप पथ भ्रष्ट हो गए हैं। थोड़ा सा करेक्शन एंड लाइफ बिकम्स वेरी इजी देयरआफ्टर। थोड़ा सा करेक्शन, क्यों, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और जैसा गीता बार बार कहती है कि जो की हुई साधना बेकार नहीं जाएगी। तो आप योगी तो हैं लेकिन पथ भ्रष्ट, तो पिछले जन्म में जो कुछ किया हुआ है उससे दोबारा जुड़ जाइए। और अगेन जब मैं जुड़ जा कहता हूँ, तो मेरा कहने तात्पर्य हमेशा होता है कि अपने सांसारिक किसी भी उत्तरदायित्व को छोड़िए मत। जो भी उत्तरदायित्व उसको पूरा करिए, क्योंकि गीता ने कहीं नहीं बताया कि अपने कर्मों से भाग जाओ या धन संपदा नहीं रखो। क्यों, अगर ऐसा रहा होता तो अर्जुन से वो युद्ध की बात करते हैं, राज्य के लड़ो। या दूसरा देखिए, जितने देवी देवता हमारे हैं बारिंग भगवान शिव, सभी को स्वर्ण के आभूषण मंडित दिखाया जाता है। क्यों, एक संदेश है कि ये नहीं है कि आपको सुख समता से दूर भागना है। एज गृहस्थ आपको सब कुछ रखिए, लिप्त मत होइए, जल में कमलवत रहिए। तो इसलिए अगर ये कोई संदेश समझे, गीता समझाती है कि नहीं आपको सब छोड़ देना, छोड़ना कुछ नहीं है, अपने सबके बीच रहिए, लिप्त मत होइए, केवल इतना छोटा संदेश है। तो जिनका भी केतु अनुक्त है वो पथभ्रष्ट योगी है, जब चाहे जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये सब गुप्ता जी तो देंगे, ये मेरी फील्ड नहीं है। पर एक सजी उधर कुछ प्रश्न, उधर 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 भाई बेटा, आप दौड़ के आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग सर। सर जैसे कि आपने बताया, जो दृष्टि वाइज बताया कि अगर बृहस्पति दशम भाव को देख रहा हो, तो आपने ट्रांसफर संबंधी एक उदाहरण दिया था, और उसके बाद आपने मंगल का भी उदाहरण दिया कि अष्टम भाव अष्टम दृष्टि से देखेगा तो कार्य की समाप्ति को द्योतित करता है। तो यदि एक थोड़ा, मैंने क्या कहा था, कार्य की समाप्ति किसी नए कार्य का प्रारंभ, ये भी साथ देख ध्यान, कार्य की समाप्ति वहां करा दिया, लेकिन संभावना समाप्त नहीं हो रही है, कोई नया अध्याय भी खुलेगा आगे। जैसे तो जैसे अगर मानिए कोई प्रश्न कुंडली बनती है और उसमें कोई व्यक्ति आता है कि हमारा यह कार्य जो है, कोई कार्य है मानिए नौकरी से संबंधित ही है, तो उसमें ट्रांसफर संबंधी कोई क्वेश्चन है, और उसमें बृहस्पति जो है, मतलब एक ही कुंडली बनी है उसमें तो सभी ग्रह होंगे, तो उसमें बृहस्पति जो है वो दशम भाव को देख रहा है, तो उस हिसाब से तो हमको कह देना चाहिए कि आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मंगल लग्न में बैठ के अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को भी देख रहा है, तो अब उस स्थिति में क्या ये भी बोला जा सकता है कि नहीं आपकी जान को भी खतरा है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अगर प्रश्न नौकरी के बारे में है तो आप ये अवश्य कह सकते हैं कि आपको सफलता मिलेगी और अच्छा काम मिलेगा, इससे बेटर लाइफ होगी इसमें। क्यों, देखिए क्या है, अभी हम समझते हैं कि अगर हमारी मृत्यु हो रही है, शरीर छूट रहा, गलत हो रहा है, लेकिन इसको कहा गया है इसे इस बंधन से मुक्त हो रहे हैं, किस नए दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आपको कल का उदाहरण याद है तो सज्जन जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने अपने को देखा, बड़े आनंद देखा, और उनका स्वयं कथन था कि मैं वापस नहीं आना चाह रहा था, इतना आनंद आ रहा था। ये बात दूसरी है कि जैसे आ गया फिर यही लुप्त हो गया, अब वापस नहीं जाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर अभी भी कोई मुझसे कि मरना चाहता हूँ, अभी नहीं मरना चाहता हूँ, लेकिन उस समय पर मुझे बहुत आनंद है, वापस नहीं लौटना चाह रहा था। तो इसलिए जब कभी भी मंगल की आठवीं दृष्टि होगी और साथ में बृहस्पति भी सही एक्टिवेट हो रहा हो, तो दैट मीन कोई अच्छी संभावना आ रही है। जो अगला हो सकता है कि आप उसमें अनप्लेजेंट लगे, लेकिन जो होगा वो आनंददायक होगा, अच्छा लगेगा आपको। जैसे सर प्रश्न कुंडली में एक हमारे 12 में जो संहिताकार थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनके पुत्र थे श्री पृथ्वी यश, उनकी एक हमारे कोर्स में किताब लगी हुई है 685 का, उसमें एक कृष्णलोक आता है प्रश्न से संबंधित कि चतुर विलग्नात हिवकाच वृद्धि। यदि आपको चुति संबंधी ट्रांसफर संबंधी कोई प्रश्न है तो लग्न से उसका विचार करिए। तो सर इसमें आपका क्या, क्योंकि ये जो आपका जो था उससे थोड़ा सा भिन्न था, और इसको थोड़ा हम लोग को समझना भी थोड़ा कठिन रहा, क्योंकि हम परंपरावादी हैं, तो हम भी परंपरावादी भाई, तो थोड़ा मैं देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैं पूर्णतः परंपरा का पालन करने वाला हूँ, कर्मकांड से परे हूँ, कर्मकांड नहीं मानते, परंपरा को नहीं छोड़ा मैंने, कहीं पर से नहीं छोड़ा। तो सर इसमें इस वाले से आपका मतलब क्या सामंजस्य? देखिए लग्न तो जो जातक लग्न है ही है, इसमें कोई जो भी पूछने आया है तो लग्न जातक वही लग्न है, वही जातक आपके लिए, इसमें कोई डाउट वाली बात कहीं पर से नहीं है, मैंने कहीं पर से विरोध नहीं किया है। मैंने केवल ये बात कही थी साथ में कि कार्यश का संबंध अगर मान लिए, मैंने शब्द प्रयोग किया कार्यश, आपने जब इंटरप्रेट कर लिया, मेरा कहना है कार्यश, अगर कार्यश पे मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ रही है
और बृहस्पति की माली थोड़ी देर नवी दृष्टि पड़ रही है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अभी जो चैप्टर चल रहा है वो समाप्त होने की संभावना है, लेकिन कोई नया इससे अच्छा चैप्टर खुलेगा, नथिंग बैड इन इट। तो मैंने न तो लग्न को नकारा है न मैंने इसको मना किया, मैंने केवल मंगल की और बृहस्पति विशेषताएं बताई, इनमें कैसे रेल को मॉडिफाई करेंगे। छठ पंचाशी का मेरा कोई विरोध कहीं पर से नहीं, मैं खुद उसको फॉलो करता हूँ, लेट मी कंप्लीट फोर्सफुली कि मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसके विरोध कहीं पर से नहीं। अगर ये मैसेज जा रहा है तो मेरे कहीं कहने गलती हो गई होगी। ये वाला वर्णन जो आपके माध्यम से हमको मिल रहा है और ये जो सर्कल आपको, मैं किसी भी अभी ग्रंथों में इसको अध्ययन नहीं किया तो मेरे लिए बहुत नया था, तो फिर मुझे लगा कि शायद उससे कुछ अलग है। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा किसी भी जो शास्त्रीय ग्रंथ किसी से कोई विरोध नहीं है, बल्कि ये जो कुछ निकाला शास्त्रीय ग्रंथों से ही निकाला हुआ है। ये जरूर मैंने थोड़ा साइंस का आदमी था तो मैंने और तरीके स्टडी की निकाला, लेकिन जो कुछ भी निकाला शास्त्रों से निकाला, शास्त्र बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, और कहीं से मेरा किसी शास्त्र से बिल्कुल भी विरोध नहीं है। लेट मी से वंस अगेन अंडरलाइंड एंड हाइलाइटेड। नहीं सर, सर मैंने विरोध शब्द का यहाँ उपयोग नहीं किया है, मैंने कह रहा कि सामंजस्यता, सामंजस्य है मेरा। अगर आपने रिसर्च मेरा पूर्ति लेट मी अगेन बैठा मुझे सर, नहीं मेरा डाल नहीं लेना, नहीं ये नहीं बनूंगा, मेरा डाल मुझे बोलने, मेरा डाल आप नहीं बोल सकते। मैं पूर्णतया उसके साथ सामंजस्य में हूँ, कहीं पर से भी इसके अलग नहीं हूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं कहीं पर से भी किसी शास्त्रीय ग्रंथ से बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ। अगर ये मैसेज गया है आपको कहीं से भी तो कहीं सुनने समझने गलती हुई, लेकिन मैं कहीं पर से भी किसी शास्त्र के विरोध में नहीं हूँ। रादर मैं झगड़ा करता हूँ सबसे कि शास्त्र विरोध मत जाइए। कल मैंने स्वयं कहा था कि जो लोग शायद मेरा कन्वर्सेशन गलत हो रहा है, विरोध में विरोध शब्द का यूज ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो आपने सोचा है और आप कह रहे हैं कि मैंने शास्त्रों से ही निकाला है, तो जो शास्त्रों में एक्चुअल कहा गया है उसमें और आपके जो आपने निकाला है उसमें सामंजस्य कुछ तो होगा। बिल्कुल सामंजस्य के विषय में बात कर रहा हूँ, मैं विरोध की मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप विरोध कर रहे हैं। आप कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए, और मैंने कहा ना कि मेरा कहीं भी कहीं पर से ऐसा कोई चीज सामंजस्य ना हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो किसी भी साथ से समझ न रखता हो या उसके विरोध में जा रहा हो, और अगर जिस दिन पता लगे मेरी कोई कहीं गलती विरोध में आ गई उसको काट दूं उसको। जिस दिन मुझे पता लग गया कि मेरा ये स्टेटमेंट संभव बाई मिस्टेक आ गया है जो किसी शास्त्र के जो असली शास्त्र है उसके विरोध में जा रहा है, उसको उसी दिन काट दूंगा। एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि जीवन मेरे साथ लगाया हुआ है। मैं तो सोच ही नहीं सकता हूँ कि हाँ यह जरूर हो सकता है कभी अगर ऐसी कोई चीज आ जाए जहां पर भगवान कृष्ण कुछ एक बात स्पष्ट कही हो और किसी बाद वाले ऋषि कुछ गलत कही तो मैं वहां भगवान कृष्ण मान्य कर दूंगा। ये तो अवश्य है कि कृष्ण अल्टीमेट है, अन्यथा मुझसे बड़े अगर मेरी बात है और वराहमिहिर ने कही तो वराहमिहिर पाएंगे, और उसे पराशर ने कही उससे आगे प्राथमिकता पाएंगे, और अगर कृष्ण कुछ बात की उससे आगे प्राथमिकता पाएंगे, तो प्रायोरिटी बदलती जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कभी किसी स्टेज पर जैसे मान लिए कि पराशर ने कोई बात कही है तो हो सकता है कि भाषा के अंतर से समझने में कोई भेद आ रहा हो, लेकिन ऋषियों की बात बहुत गूढ़ होती है, उसको आपको उसी भाव में जाके देखना पड़ेगा। समय अधिक हो रहा, वरना मैं एक छोटी घटना करके आपको क्लियर कर देता। एक बड़ा आप जैमिनी सूत्र होते हैं ना, दो मिनट लूंगा सिर्फ, हमने ऐसी बात कही है। एक बार वेद व्यास और जैमिनी दोनों ही ऋषि पराशर के शिष्य थे, मालूम हुआ ना आपको, और उनके जाने के बाद उनके ग्रंथों को अलग से लिख रहे थे, तो बीच में एक श्लोक निकला तो जैमिनी ऋषि ने उसको उठा के अलग कर दिया। गुरु की बात थी, काट नहीं सके, लेकिन एग्री नहीं कर रहे थे। वेद व्यास ने किया तो यह क्या कर रहे हो, उन्होंने साहब ये गुरु जी ने कह तो दिया है लेकिन ये शास्त्रों से मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। वेद व्यास ठोक के, जैसे मैंने कहा ना कि गुरु जी की ही बात कोई ऐसी है ही नहीं जो शास्त्र विरोध में जा रही हो, जो कुछ भी है शास्त्रों के साथ रहेगी और शास्त्रों विरोध की जाने सोच ही नहीं सकते। हमारे तुम्हारे समझने में भेद हो सकता है लेकिन गुरु जी की कही कोई बात शास्त्रों के विरोध में नहीं हो सकती। लेकिन जैमिनी को लगा कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, मैंने केवल बात कही है बृहस्पति पांचवी है नवी दृष्टि के ऊपर, और आपने इसको सरपंजी पता नहीं आपके मन में क्या सूत्र रहा, आई डोंट नो, आप उससे विरोध जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने केवल आपको बृहस्पति की पांचवी और नवी दृष्टि में अंतर किया समझाने के लिए कुछ उदाहरण देने कोशिश की ताकि आप समझ सकें कि पांचवी दृष्टि क्या देती है और नवी दृष्टि क्या देती है। मेरा उद्देश्य केवल इतना था उस वक्त। अब उसको आपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया कि लग्न पे ये रही होगी और यहाँ पे बैठा, जो मैंने नहीं कहा। प्लीज अब ऐसे मैंने आप पूरा मौका दिया, मेरी मौका दिया, ऐसा मत कीजिए, इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ मत कीजिए। एक तो पहला अन्याय कर दिया कि मैं साधु विरोध में हूँ, अब दूसरा भी इतने मौका नहीं दे रहे, ऐसा मत करो भाई, ये कल मत करो। तो पहली बात जो मैंने कहा, कहीं कहीं पे मैंने कहा अगर प्रश्न अगर ऐसा आता है देखिए फिर बट, लेकिन कहीं पर भी मैंने कोई फिक्स नहीं की कि लग्न ये होगी इसमें, ऐसा मैंने एक बार भी नहीं कहा। केवल उदाहरण दिया कि
आठवीं दृष्टि में चौथी अंतर क्या होता है, पांचवी और नौवीं दृष्टि अंतर क्या होता है, कहानी देख लीजिए आपको, आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। तो जैमिनी ऋषि ने उठाकर पन्ना अलग रख दिया, क्या है? अब वो पहले श्लोक देख लीजिए, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता है, श्लोक बड़ा लगा दो। अब देखिए हिंदी में सब सुनी पढ़ रहे होंगे, माता भगनी तथा पुत्री के साथ भी एक साथ नहीं बैठना चाहिए, क्यों? इंद्रियों का समूह बलवान होता है, वो विद्वान को भी खींच लेता है। अब जैमिनी ऋषि बोलिए कैसे सोचता है, अगर कोई ऋषि हो गया है तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, इम्पॉसिबल सी बकवास वादन को। तो उन्होंने उनकी बात को बिल्कुल नकार दिया कि ऋषि जी ने बात सही नहीं कही। लेकिन वेदव्यास बुरा लगा, एक तो उनके पिता, उनकी बात काटी जा रही थी, और दूसरी गुरु भी थे, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा हमारे तुम्हारे समझने भेद हो सकता है, लेकिन गुरु की कही बात गलत नहीं होगी, समझने अंतर होता है, लेकिन उसे चुप रहने कोई बात नहीं, ठीक है हटा दो भाई। और उस पेज को हटा दिया गया है, ये रियल इंसिडेंट है, उसको हटा दिया, फादर टाइमिंग सिक्योरिटेट करके कहीं लगा, अलग अलग बंडल लगा रहे थे जो, हटा दिया गया। अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ, एक दिन जैमिनी ऋषि कहीं बैठे हुए थे कुटिया में बाहर, एकदम से बारिश घिराई, जोर की वर्षा होने लगी, और वो अपने कुटिया अंदर जाहिर इतने देखा कोई स्त्री पूरे वस्त्राभूषण से अलंकृत दुखी रोती हुई सामने आ गई। तो उन्हें क्या हुआ कि मेरे पति बाहर गए हुए थे और सास और ननद ने घर से बाहर निकाल दी, इस रात्रि कहाँ जाऊं, तो कोई बात नहीं है, और पहली बार उनको कहा पुत्री कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा जरा सा आपके प्रश्न उत्तर मिल जाएगा, तुम यहीं पर रह जाओ। तो उन्हें वो तो ठीक है, लेकिन आप पुरुष हमें आपसे कैसे रहती हूँ, क्या बात करती हूँ, मैं ऋषि हूँ, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन उसने नहीं, मैं बाहर रहूंगी, जंगल रहूंगी, सिंह खा जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपके साथ अकेले तो नहीं रहूंगी। जैमिनी ऋषि लगे कुछ गलत हो रहा है, अच्छा ठीक है तुम अंदर चले जाओ और मुझे अपना गुरु मान लो थोड़ी देर के लिए, और मेरी आज्ञा है अब प्रातः होने तक इस द्वार को खोलना मत, ठीक है। अब जैमिनी इस बेचारे आधे भीगे आधे बाहर बैठे हुए बरसात में, वो महिला अंदर चली गई और जाके लेट गई आराम से। लेकिन उन्हें कहा गया है, कृष्ण बार बार कहा है कि काम बहुत प्रबल होता है, घंटा दो घंटे गुजरने के बाद में अब जैमिनी ऋषि को धीरे धीरे बड़ा अजीब लगा कि मैं बाहर भीग रहा हूँ और मेरी ही कुटिया में स्त्री आराम से लेटी हुई है, तो ठीक नहीं है, तो कम से कम इतना राइट होना चाहिए कि मैं इस कुटिया में रह सकूँ। खटखटाया भाई कि मैं भी अंदर आऊँगा। उन्होंने नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा है और मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी, गुरु तो मैं ही हूँ, मैं स्वयं आज्ञा बदल रहा हूँ कि मैं भी अंदर आके रहूँगा, उस मैंने कुछ भी दरवाजा नहीं खोलूंगी कम वाट में। उनको बड़ा क्रोध आया और जो वातावरण था उसने और इनको जो है विचलित किया, ये अपनी कुटिया के ऊपर चढ़ गए और कुटिया एकदम उन्होंने होल बनाना शुरू किया धीरे धीरे, ताकि इसे इतना बड़ा छेद बन जाए कि नीचे कूद जाऊं। देखिएगा अल्टीमेट छेद बना लिया और नीचे कूदने को थे। अब नीचे क्या देखते हैं, वेद व्यास ऋषि बैठे हुए हैं और हाथ वही पेज उनके। तब जैमिनी ऋषि बोले कि बस गुरु जी ने एक काम गलत कर दिया था, इसको इतनी साधारण भाषा में क्यों लिखा था, थोड़ा दुरूह भाषा में लिखा होता तो लोग दिमाग लगाते समझते फिर विश्वास करते, आज के बाद में ज्योति एक ऐसी विधा बनाऊंगा जिसको लोग एक बार पढ़ेंगे समझ नहीं पाएंगे। और उसके बाद उन्होंने जैमिनी ज्योतिष बनाई जिसमें कटप्याज सूत्र लगा लिखा गया है कि लोग थोड़ा दिमाग लगाएं और दिमाग लगाएं और सोचें फिर कहें कि अच्छा कहा क्या गया था, ये नहीं एक बार में एक उदाहरण देखा उन्होंने कहा तो सिर्फ पंचायत का ऐसे विरोध हो गया। समझ गए, विरोध नहीं होता है, आपको देखना होता है। तो कई बार हमारे देखने अंतर होता है, तो कई बार चश्मे नंबर ठीक नहीं होता है, नंबर ठीक करना चाहिए, लेकिन स्वतंत्र बुद्धि से देखिए। और ऐसी कोई चीज जो एक शास्त्र में लिखी है दूसरे साथ विरोध में कभी नहीं होगी, अगर कहीं विरोध नजर आ रहा है हमारे समझने का पढ़ने का विरोध होगा, उसमें साथ मिलती नहीं होगी। और पर्टिकुलरली जो मैंने सूत्र कहे हैं, इसमें मैंने भगवद गीता ली है साथ में, पूरे सम्मान के साथ में पराशर वराहमिहिर जैमिनी इनका अध्ययन किया, और जैमिनी कई ऐसे सूत्र हैं जिनके और अध्ययन किया तो मुझे पता लगा कि साधारण जनों कितना गलत पढ़ रहा था, कि जैमिनी ऋषि इतना टेढ़ा काम कर दिया है अपनी उस पर एक भूल के बाद में कि मैंने गलती की, तो अगले सूत्र इतने दुरूह लिखे हैं कि जब तक तो चार चार बार नहीं सोचेंगे। एक संस्कृत विद्वान थे, नाम नहीं लूं उनका, और एक सूत्र था उसका उन्होंने अनर्थ कर दिया था। तो हमने कहा ये क्या कर दिया आपने, आपने जैमिनी ऋषि ने कहा है तो उन्होंने कहा साधारण जिसे आपने गलती की वैसे उन्होंने गलती की, साधारण लगाया था। मैंने कहा मैं संस्कृत विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं तो घुसपैठिया हूँ, लेकिन मेरा अचेतन कह रहा कुछ गलती हो रहा है इसमें। फिर दो तीन संस्कृत विद्वान और बुलाए गए, चर्चा हुई,
अल्टी पता लगा वो गलती कर रहे थे। तो इतना द्रुह है उस तरीके से, इसको समझना बहुत मुश्किल है कि कैसे बदला जाए। यहाँ पे क्या कहा उन्होंने, कहीं वही बात कह दी है और पता लगा कि उसका अर्थ किसी और भाव से था, किसी और तात्पर्य से था। तो और डीप में जाते इसको कठप्यादि, अभी अगर पढ़ा होगा तो कठप्यादि लगा के जैमिनी ऋषि अर्थ निकालते हैं, अर्थ बदल जाता पूरा। तो वो जैमिनी ऋषि ने अपनी भूल को माना और उसको आगे बढ़ाया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझेंगे और एक अच्छा ग्रंथ लिखेंगे इसके बाद में, जिसको लोग तारीफ करें, बढ़िया ग्रंथ है। अब मैं गुप्ता जी माइक देता हूँ, बाकी रही बात कल बात करेंगे। धन्यवाद सर आपके इतने लघु उत्तर के लिए।